Not a game, it's a rich thing. मैग्नीटो स्क्वाड वालेकुम अस्सलाम। बिजी बंदे हैं बस यार, क्या करें सर। अब हम आपको समझाएंगे सर कि क्या चल रहा है, लेक्चर और एवरीथिंग। मेरी आवाज़ से तुम्हें कुछ लग रही होगा कि क्या चल रहा है। आज कुछ यूँ है कि हमें कुछ समझ नहीं आई कि हमने करना क्या है, गेम कौन सी खेलनी है। सो आई थॉट व्हाई नॉट जस्ट क्रिएट अ न्यू सीरीज और न्यू स्ट्रीम विद अ कॉमन नेम सो दैट वी कैन प्ले एनी गेम दैट वी वांट एंड नोबडी गेट्स डिस्ट्रैक्टेड। और वो क्या कहते हैं यार, थंबनेल के लिए कोई वर्ड यूज़ होता है यार, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा है। एक होता है ना अट्रैक्टिव थंबनेल होता है, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं होता, या अंदर उस तरह का कुछ भी नहीं होता। तो एक वर्ड यूज़ होता है, मुझे इसका जेन में आई नहीं ना, बहुत यूज़ होता है यार कि आपने ना वो किया, फेक किया है, उसके ऐप किया है, स्कैम तो नहीं कहते खैर, तो एक वर्ड यूज़ करते हैं टिपिकल सा। थंबनेल पता नहीं, फिशिंग थंबनेल कोई इस तरह का होता है यार, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पता चल रहा है कि वो ये वर्ड नहीं है, दैट्स व्हाई आई कांट कंफर्म। बट एक इस तरह का वर्ड होता है जो कि यूज़ किया जाता है यूट्यूब इंडस्ट्री के अंदर for the thumbnails if you're using something and that is causing distraction to someone or is tarah ki cheez hoti hai hai that's totally a different story we are just here to play some game and let's see I think we should start with COD and then move to CS:GO and then move to Battlefield that's what is in my mind currently lekin ye hai ki we can even switch to a different game of your choice if you want। वैसे recently मैं CS:GO काफ़ी खेल रहा हूँ, मेरा मूड तो CS:Gो का काफ़ी ज़्यादा है। क्या सीन है, स्ट्रीम चल रही है गुड ओके लेट्स स्विच टू अ लाइव सीन। आई होप द स्ट्रीम इज़ वर्किंग, क्योंकि पता नहीं बीच में आज दो दफ़ा मैंने स्ट्रीम ट्राई किया है, दोनों दफ़ा जो है ना मेरा एक दफ़ा मेरा स्ट्रीम बंद होगी ऑटोमेटिकली, कोई एरर आ गया स्ट्रीम के अंदर ओबीएस के अंदर, एंड सेकंड टाइम वापडा हो गया चूँकि लाइट चली गई ड्यू टू रेन। यहाँ पे ज़रा मौसम ख़राब था इस्लामाबाद का, तो उस वजह से लाइट जाने की वजह से भी एक दफ़ा स्ट्रीम बंद होगी। तो आई एम ये दिस इज़ द लास्ट चांस, क्योंकि इसके बाद अगर मैं लाइव स्ट्रीम करूँगा एक दिन के अंदर आपके पास 3 चांस होते हैं फॉर स्ट्रीम और फॉर द नोटिफिकेशन टू बी एग्जैक्ट। एक दिन में सिर्फ 3 नोटिफिकेशन जाती हैं लोगों को। इफ़ यू अपलोड मोर देन 3 वीडियोज़ इन अ डे दैन द पीपल योर सब्सक्राइबर विल ओनली गेट नोटिफाइड फॉर द फर्स्ट 3 वीडियोज़, फॉर द रेस्ट ऑफ वीडियो नो नोटिफिकेशन विल बी सेंड। दैट्स व्हाई दिस इज लाइक काइंड ऑफ माई लास्ट चांस। एनीवेज CS:GO तो मैं बहुत खेल रहा हूँ आज, बहुत ही खेल रहा हूँ, मतलब मुझे CS:GO की एडिक्शन वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि हम मुझे वो ना GN1 पे जाना है, मुझे इतना GN1 चढ़ा हुआ है सर पे। आई जस्ट वांट किया वो मेरा GN1 रैंक हो जाए। अभी सिल्वर 3 मेरा रैंक खुला था पहला, मतलब उससे पहले GN1 था, एक ज़माने में मैं GN1 था ऑन CS:GO, बट दैट वाज लाइक रैंक पुश किया था मैंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलके, तो बट दैट वाज नॉट एन एक्चुअल रैंक। GN1 जो था वो मेरे लायक नहीं था। उसके बाद मैंने खुद सोलो खेलना शुरू किया एंड सोलो में मेरा पहला रैंक अनलॉक हुआ सिल्वर 3। वालेकुम अस्सलाम सैफ रहमान, कैसे हो ब्रो, वेलकम टू स्ट्रीम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैं यार अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम बिल्कुल फिट, बस थोड़ा सा आवाज़ के अंदर थोड़ा चेंज लग रहा है क्योंकि भाई का नाक जो है ना वो बह रहा है खैर जुकाम लगा हुआ है मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल गुड। तो ये स्टोरी थी मेरे रैंक की। सिल्वर 3 खुला, फिर सिल्वर 4 हुआ, फिर मुझे मज़ा आने शुरू हो गया, सो मैंने और गेमें खेलने शुरू कर दी एंड नाउ आई एम ऑन सिल्वर एलीट मास्टर एंड माई नेक्स्ट गोल इज़ टू अनलॉक GN1 वेरी सून। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड लैपटॉप नेम सैफ रहमान, मेरे पास कोई लैपटॉप नहीं है, ऑल्दो मेरे पास लैपटॉप है वो दैट्स ऑन माई ऑफिस लैपटॉप। आई कांट गेम ऑन दैट लैपटॉप एंड आई डोंट इवन ट्राई टू प्ले ऑन दैट लैपटॉप। तो वो ऑफिस का लैपटॉप है तो उस पर नहीं खेलता, बट जो मेरे पास पहले गेमिंग लैपटॉप था दैट वाज Asus stuff and I sold that and then I bought a new PC। तो मेरे पास इस टाइम PC है not laptop। तो खैर ये रैंक नज़र आ रहा होगा मुझे आपको, मेरा नूबनेस का इंतहा है, मतलब जारी बात है एक नूब रैंक की है ये। अगर आप पाकिस्तानी हिसाब से देखें ना तो जो सूबेदार मेजर नहीं होते, ये CS:GO का सूबेदार मेजर है। नेक्स्ट रैंक जो होगा ना वो ऑफिसर वाला होगा, लाइक सेकंड लेफ्टिनेंट समझ रहे हो, जो ना जो आर्मी की, जिनका आर्मी बैकग्राउंड है, एयरफोर्स बैकग्राउंड, उनको थोड़ा पता होगा क्या सीन है। तो ये वाला साहब है। आई जस्ट वांट टू क्रॉस दैट लिमिट एंड मूव टू दी ऑफिसर्स फैमिली, समझ रहे तो ये स्टोरी है। खैर आई थिंक स्ट्रीम इज़ वर्किंग फाइन, सो फॉर सो गुड। इफ़ आई एम नॉट श्योर अगर आप लोग कमेंट कर रहे हो या इवन आप लोग लाइव स्ट्रीम देख भी रहे हो कि नहीं, क्योंकि कमेंट्स जो समटाइम अपडेट नहीं होते मेरे फ़ोन के ऊपर, आई डोंट नो व्हाई, इट्स जस्ट एन इशू। तो एवरी टाइम आई डोंट सी एनी कमेंट्स, आई जस्ट हैव टू रीलोड द स्ट्रीम ऑन माई फ़ोन सो दैट द कमेंट्स गेट रिफ्रेश्ड अलॉन्ग विद इट। तो कभी कभी मुझे हो जाता है यार कि वो हो यार, लगता है लड़के भाग गए हमारे। But anyways, we are here to enjoy the game and I hope you guys will enjoy it as well. We'll try to play as good as possible. आस्ता आस्ता मैं बेहतरी की तरफ जा रहा हूँ, थोड़ा सा ही मेरा बेहतर हुआ है स्पेशली होने के। बट एक चीज़ मैंने सीखी है CS:GO में, अगर बंदा क्लोज है आपके, बहुत ज़्यादा क्लोज अप है, then you can definitely go for a spray। आप ओपन स्प्रे कर सकते हो, ठा 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 and he will probably be dead अगर आपका एम बहुत ज़्यादा बुरा ना हो। बट इफ इज़ यार आजकल मिराज ही लग रहा है। मैं 3-4 मतलब कोई पिछले 3-4 हफ्तों में मैंने कोई 3-4 गेमें खेली होंगी और 3-4 गेमों के अंदर मुझे मिराज ही मैच मिल रहा है मोस्टली, मिराज डस्ट 2। खैर एनीवेज आई वाज टॉकिंग अबाउट द एम ऑन AK-47 इन CS:GO। सो हाँ, अगर तो क्लोज बंदा है तो स्प्रे कर सकते हो, दैट विल बी टोटली फाइन, यू विल डेफिनेटली गेट अ किल इफ़ यू आर फर्स्ट इन द स्प्रे। बट लॉन्ग रेंज के अंदर मैंने एक चीज़ थोड़ी सी आदत डाल रहा हूँ, दैट इज़ टैपिंग। इफ़ यू टैप विद AK तो वो भाई उसका डैमेज जो है वो स्नाइपर वाला होता है, मतलब AK का, मतलब आपकी एक टैप अगर हेडशॉट पे लग जाए ना, द नेक्स्ट पर्सन इज़ प्रॉब्ली डेड। मैग्नेटो स्कॉट वॉरजोन की मिनिमम स्पेक्स पूछे थे यार, मिनिमम स्पेक्स वॉरजोन के यार वैसे आपको गूगल पे मिल जाएंगे एग्जैक्ट, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है तो आपके GTX 962 GB पे वॉरजोन चल जाती है, 962 GB पे या चल जाती है। बट ये है कि आपको वो जारी बात है वो शशके नहीं मिलेंगे उसके अंदर, लेकिन चल जाएगी। बट इफ़ यू वांट अ गुड एक्सपीरियंस इन वॉरजोन देन यू शुड एटलीस्ट हैव अ 4 GB कार्ड। 4 GB इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट मेरे ओपिनियन में। वैसे तो शायद कोई और कार्ड हो जो गेम चला लेता हो, गेम चल जाएगी नो डाउट, बट अगर आपने थोड़ा अच्छा इन्जॉय करना है गेम को तो आई थिंक 4 GB इज़ द मिनिमम कार्ड, कोई भी हो, इवन 964 GB वुड बी एनफ। चेक किया भाई का एम देख किया तुमने, इट्स जस्ट अ सिंगल टैप बॉय, जस्ट अ सिंगल टैप, बट अब मुझे पड़ गया हेडशॉट। बस CS:GO में हेडशॉट की गेम है बॉयज़, जिसकी हेडशॉट लगी उसकी गेम है। क्या कर रहे हो? ईजी पीजी बॉयज़, ईजी पीजी। खैर मुझे लग रहा है साउंड काफ़ी ज़्यादा है, तो विल जस्ट टर्न डाउन द वॉल्यूम फॉर दिस गेम सो दैट यू कैन हेयर मी एज वेल। आई थिंक MVP म्यूज़िक भी हम कम करते हैं या perfectly fine. Okay, okay boys. थोड़ा हाथ बिठा लो अभी अभी जस्ट मैं घर मतलब मैं कहीं गया हुआ था तो अभी जस्ट बी अबे यार इनकी आवाज़ बंद करनी पड़ेगी प्रॉब्लम मुझे यार। ओ ए पे बंदा क्या डोंट ओके देखा हेडशॉट लगती है। अच्छा किया तुमने हेडशॉट लगी हुई एक पहला सा। Oh God, I'm so dead. कितना टैग था मैंने नोट नहीं किया। By the way से कॉल तो इन लोगों को ओ भाई यार लगता है बहुत बुरी किस्मत है जवा बहुत ही गंदी टीम लग रही है मुझे इस टाइम। Let's see. Okay एक बंदा रह गया भाई easy. I think it's oh boy क्यों करते हो ऐसे यार इतना तो पता होना चाहिए। मोंटी स्नेक कैसे ब्रो? अबे डिफ्यूज कर चेक कर कम। ओ नाइस लेकिन नो टाइम डिफ्यूज किट होती तो हो जाता डिफ्यूज बट बॉय शिट ओह गॉड। आजकल काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे CS:GO में टू बी ऑनेस्ट। एक तो रैंक थोड़ा सा मेरा बेहतर हो गया तो थोड़ा सा मुझे ज़ाहिर बात है इतना बुरा भी नहीं हूँ मैं CS:GO में तो मुझे इसलिए थोड़ी सी चिड़ होती है अगर प्लेयर्स अच्छे ना हो आगे। बट ऑल इन ऑल बेहतर है मतलब नाउ माय एक्सपीरियंस इज़ क्वाइट बेटर देन जब मैं सिल्वर 3 पे था। बाय द वे मोंटी कैसे ब्रो तुम्हारा 1070 कैसे चल रहा है? ओह साजिद जानी की हाल है ठीक हो ना? पैलेस ओ यार एक तो मुझसे खेला नहीं जा रहा समझ नहीं आ रही मुझे मैं क्या कर रहा हूँ। एक और ये मैंने गन पहली मैं ये गन यूज़ नहीं करता यूजली। Oh, he can do it. He can definitely do it. थोड़ा सा हौसला। Oh boy. अगले बार डीगल है इसको एक भी पड़ गई इसने मर जाना है। इसको एक भी शॉट पड़ गई डीगल की he's dead and that's he's dead. यार बंद करो स्ट्रीम आते हुए। नहीं साजिद नहीं ऐसे नहीं लड़के हम शरीफ हो गए ऐसे तो नहीं होता साजिद। कैसी बातें करते हो लड़के तुम बहुत तेज हो रहे हो यार। चल बस बस कर बंदे मार हाँ लड़के अब मैं थोड़ा फोकस करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर द मोटिवेशन। ए तो नहीं है ए पे है ए है ओके बॉयज ही इज डेड पर हमारे पास हेल्थ बहुत थोड़ी रह गई है। ओके साइड oh boy 367 boy nice oh GG boys। मेरा इंटरनेट भी तेज़ नहीं है। अच्छा हाँ यार मैंने Warzone डाउनलोड की थी 90 GB की एंड 3 days बाद उसकी 30 GB की अपडेट आ गई। आई मीन व्हाट द फक। हाँ ये तो होता है यार Warzone तो बहुत बड़े बड़े अपडेट्स होते हैं टू बी ऑनेस्ट। Warzone में लोग बड़े ज़्यादा परेशान है इस चीज़ से टू बी ऑनेस्ट। बहुत से लोगों के नेट अच्छे नहीं होते तो दे डेफिनेटली सफ़र अलॉट क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है टू डाउनलोड दैट गेम। इवन हमारा नेट हालांकि काफ़ी बेहतर है बट स्टिल इट टेक्स काफ़ी टाइम इट टेक्स अलॉट ऑफ टाइम टू डाउनलोड दैट। वन अप वन प्लेस वन ड्रॉप लास्ट वन ओके बॉयज हमें MVP मिल गया। इज देयर एनी ऑप्शन टू म्यूट स्ट्रीम? व्हाट डू यू वांट टू स्ट्रीम? म्यूट मी ब्रो मैं तुम्हें बातें शातें करते हुए अच्छा नहीं लगता है। 1070 बेस्ट चल रहा है। ओ गॉड यार मैं नहीं खुश हूं। अबे ये कौन है? ओए इसको तो बंद करें, पता चले साथ भाभी स्ट्रीम चला के बैठी हो सकता है साजिद, हो सकता है, इसलिए बी केयरफुल ब्रो, बी केयरफुल, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। निकलेगा तो सही, यहीं पे है बंदा। यहाँ पे नहीं है। ओ मैन, वन पहले 64। पता चले साथ बाबे। अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम अब्दुल मोइस खान ब्रो, कैसे हो? वेलकम टू स्ट्रीम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मेजर खुशखबरी कब सुना रहे हो यार? इंशाल्लाह सैफ रहमान भाई जल्द, दुआ करें, बस दुआ करें, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, बहुत जल्द है मामूल। साजिद सही कह रहे हो तो। सलाम भाभी, वो मैं कह रहा था मेजर को नमाज पढ़ा मेजर को नमाज पढ़ा करे, हाथ बताया करे किचन में काम में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ये जो मशवरे ना, ये मैं आपको दूंगा जब आपकी हो जाएगी, फिर मैं पूछूंगा। दुआ करके जल्दी दुआ हो। टू दैट ब्रो, टू दैट, सही कह रहे हो तुम सही जा रहे हो यार, तुम बहुत तेज़ जा रहे हो, बल्कि और जा सही डायरेक्शन में रहे हो। बहुत तेज़ हो गए तुम यार, लड़के लड़के आजकल के यार, देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। बम ड्रॉप है और ये कसम से बम के ऊपर तंबू लगा के, ऑल्दो करना भी चाहिए क्योंकि देयर इज ओनली वन पर्सन लेफ्ट, इट्स अ 2v1 सिचुएशन। अब हम कास्टिंग करेंगे, 2v1 situation and we have won the round. Okay. अबे स्ट्रीम बंद तो नहीं होगी, क्या सीन है? स्ट्रीम चल रही है ना लाइव? अरे बहन तो यार, एक तो स्ट्रीम का रोला आया हुआ था, पता है, आज सुबह से मैं रोले देख रहा हूँ स्ट्रीम के। बाय 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 बाय। अबे सारे ए पे रहोगे तो बी कौन जाएगा? वैप से तो मतलब बी ही है। तो चढ़ाई कर गया मेरे पे। तेरी खैर। वन मार्केट, वन मार्केट। ओह बॉय, एक रह गया। पबजी मोबाइल आ जा, भालू भाई एंड साकिब खेल रहे थे, बड़ा मजा आ रहा था। अच्छा वाकई यार, मैं तो टीएस बैठा होता, कोई आई नहीं, कोई नजर मुझे। ओह नाइस नाइस, इसके बाद ओह यस मोंटी यार। मेजर अपनी मैकेनिक क्या मैकेनिकल की जॉब छोड़ के वेब डेवलप की तरफ जाना चाहिए। अच्छा मेरे से पूछ रहे हो, मैंने कहा शायद मुझे बता रहे, मुझे कह रहे हो। अच्छा मैकेनिकल की जॉब छोड़ के वेब डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? गुड क्वेश्चन ब्रो। अगर आपका इंटरेस्ट है वेब डेवलपमेंट की तरफ तो शौक से जाओ, लेकिन अगर इंटरेस्ट नहीं है तो फिर बिल्कुल नहीं जाना, मैं बता रहा हूँ, फंस जाओगे। इट्स नॉट अ फन जॉब टू बी ऑनेस्ट। अगर आपको पसंद है तो फिर तो मज़ा आएगा आपको जॉब करने में, अगर नहीं पसंद तो भाई गालियाँ दोगे तुम बार बार, खुद को भी और वेब को भी। और ये ऊपर की अंदर चुको। ओके बॉयज, अगेन संगीत शाम को आए। अच्छा शाम को आए थे, मैं कहूँ यार अभी मैं बैठा हूँ, अभी तक कोई नज़र ही नहीं आया, नहीं तो इस टाइम होते हैं यूजली ये लोग, लेकिन आज है ही नहीं। मोंटी वेब डेवलपमेंट काफ़ी एंड हो रहा है, लोग स्टोर पे शिफ्ट हो रहे हैं। एग्जैक्टली इवन यार वो शॉपिफाई ट्राई कर लो, शॉपिफाई के लिए भी लोग काफ़ी एक्सपर्ट ढूंढ रहे होते हैं। क्योंकि लोग जो है ना वो बहुत से लोग जो है वो कहते हैं आप हमें बनी बनाई वेबसाइट मिल जाए, तो अगर आप शॉपिफाई वगैरह के एक्सपर्ट भी बन जाओ तो दैट्स ऑल्सो गुड ऑप्शन। ये मैंने सुना हुआ है, मुझे मेरा खुद एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता, पर साजिद को काफ़ी पता। साजिद अमेज़न वगैरह पे काम कर रहा है। चेक किया भाई का टैब, चेक किया भाई। ओ भाई 1 HP रह गई मेरी, 1 HP रह गई मेरी यार। कम ऑन गाय गाय, अबे वो शब्बी जंगल नहीं है, लो टनल है यार। इसकी डूम स्टिल मार गया मुझे, बट स्टिल भाई MVP है। मैं इंटरेस्ट है बट इसमें फ्यूचर है, सैचुरेशन तो नहीं है यार। सैचुरेशन तो होगी डेफिनेटली, वेब डेवलपमेंट तो बहुत पुरानी होगी, इट्स लाइक बाबी है यार, मतलब बाबों अलग, समझ रहे हो, जितना क्वाड पुरानी होगी ना उसमें वेब डेवलपमेंट इज क्वाइट ओल्ड तौर पे। ये वैसे साजिद ये ना फिनोमिनल को बहुत आइडिया टू बी ऑनेस्ट, अगर आप इससे मशगूल हो तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन देगा आपको। मैं काफ़ी काम किया हुआ ऐसी चीज़ों पे, तो इसको अंदाज़ा भी है चीज़ों का, क्योंकि मैं तो यार अब ओह शिट मैन लेट हो गया यार, मैं असल में उसको पीक करने लगा था, ध्यान निकल गया मेरा वहाँ से। खैर एक और वेब डेवलपर भाई, जो भी करना है एक ही फील्ड में एक्सपर्ट हो जाना, इधर उधर ना भागना। एग्जैक्टली सैफ रहमान की बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। अगर आप एक चीज़ के अंदर चीते हो ना, तो चाहे वो वेब डेवलपमेंट हो, ऐप डेवलपमेंट हो या खाली ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, चीते हो तो बाबा जी कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जो लोग जब चीता हो जाए ना बंदा, फिर उसका कोई कंपटीशन नहीं होता टू बी ऑनेस्ट। ये मैंने देखा है, काम आता हो ना आपको तो कोई ना कोई उठा लेता है। शॉपिफाई टाइम टेकिंग है बट इजंट वर्थ इट इतना। चलो अब तुम्हें ज़्यादा आइडिया होगा, मैंने सुना था एक वक्त मैं वर्डप्रेस डेवलपर हूँ, जितना काम है उतना पैसे नहीं है यार। वो देखो एक्सपर्टीज़ के साथ ही आता है ना सारी ये चीज़, देख हर चीज़ में काम एक्सपर्टीज़ के साथ आता है, पैसा भी एक्सपर्टीज़ के साथ आता है। ओह बॉय बहुत गंदा। एग्जैक्टली एक फील्ड में रहो, उसको मास्टर कर लो। जैक ऑफ ऑल ट्रेड बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैक ऑफ ऑल ट्रेड की इतनी वर्थ नहीं होगी, बट अगर तुम मास्टर ऑफ वन हो गए ना तो तुम्हें उस चीज़ के अंदर दबा के काम मिलेगा एंड यू डेफिनेटली एक्सेल। लाइक ओनली फ्रंट एंड और ओनली बैक एंड, ये भी दो सेपरेट फील्ड्स हैं। कुछ लोग फ्रंट एंड डेवलपर्स होते हैं, कुछ लोग बैक एंड डेवलपर्स होते हैं। दीज आर टू सेपरेट एंटिटीज़ एंड बोथ, अगर आप अच्छी पोजीशन में, अच्छी पोस्ट पे, अच्छी कंपनी में हो तो बोथ आर लाइक अच्छा खासा। इवन मैं तो सम बहुत कम केसेज हैं, बट मतलब जो मैंने देखे हैं पर्सनली, फ्रंट एंड ज़्यादा पे ले रहे होते हैं बैक एंड से। ओ बॉय ये कैसे हुआ? ये टीम क्या कर रही है अगली यार? तो मुफ्ते का विन है यार, तो घूम फिर रही है, तो आधे बंदे इधर घूम रहे हैं, आधे उधर घूम रहे हैं। डिफ्यूज़ किट बहुत ज़रूरी है भाई इस गेम में। यू डेफिनेटली नीड अ डिफ्यूज़ किट व्हेन यू प्ले। मुझे फ्रेंडेड आती है बेसिक, लाइक HTML CSS बूटस्ट्रैप। यार HTML CSS बूटस्ट्रैप इज़ अ बेसिक, डेफिनेटली वो आनी भी चाहिए। वो नहीं आएगी तो भाई आगे भी चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी, तो वो सीखना तो अच्छी बात है। लेकिन आजकल वो क्या आया हुआ है, एक और चीज़ थी यार मेरे जहन में, जावास्क्रिप्ट पता नहीं क्या थी यार, मेरे जहन से निकली, जावास्क्रिप्ट थी आई गेस। खैर अब हमें भी डिग्री किए हुए टाइम हो गया। हमारे एक सर थे राशिद मुख्तार साहब, बहुत ही अखीर किस्म के टीचर थे, ज़बरदस्त टीचर हैं मुझे, एक यहाँ हैं, सॉरी यार मेरा ध्यान बढ़ गया था। तो ही इज़ अ रियली गुड प्रोफेसर फॉर्म सेट से इस्लामाबाद में, और उनको ये चीज़ें बहुत आती हैं और बड़ा अच्छा मशवरा देते हैं। खैर बाकी आपकी अपनी चॉइस है। इवन HTML, CSS एंड बूटस्ट्रैप इज़ ऑल्सो एनफ फॉर सम पीपल। आप उतने पे भी गुजारा कर लेते हो, बहुत से लोग कर लेते हैं। ओह नाइस नो स्कोप, ओए होए अबे भाई मेरी टीम क्या कर रही है यार, बड़ी प्रो है। ओह गंदा 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 गंदा। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई मेरी टीम चढ़ गई है, इनको खा गई है। नाइस हो गया। अभी मैं जावास्क्रिप्ट करनी है। हाँ जावास्क्रिप्ट करो, एग्जैक्टली जावास्क्रिप्ट ही थी, बस मेरे जहन में नहीं आई थी जावास्क्रिप्ट है यार। एक और वर्ड यूज़ करता था मैं, पता नहीं क्या नाम था उसका यार। लिटरली फील्ड से दूर हो गया ना असल में, तो काफ़ी बैड सीन हो गया। हाँ रिएक्ट तो जानी, रिएक्ट तो जो है वो, हाँ रिएक्ट सॉरी, हाँ रिएक्ट की बात कर रहा था यार, सॉरी सॉरी रिएक्ट जेएस की बात कर रहा था। रिएक्ट जेएस, ओ यार कम ऑन यार, भैंस की तो मार खा रहा हूँ मैं। खैर रिएक्ट जेएस की बात कर रहा था मैं, मेरे जहन में नहीं आ रही थी बाबा। रिएक्ट जेएस अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप वो ट्राई करें। मेजर आप कौन सी फील्ड में? यार मैं IT ऑपरेशंस में आ गया हूँ, डेवलपमेंट में नहीं हूँ मैं अब। ऑल्दो मेरा फाइनल प्रोजेक्ट वॉज इन एंड्रॉयड डेवलपमेंट, मेरा प्रोजेक्ट थर्ड आया था यूनिवर्सिटी में, बट मुझे पहली जॉब जो मिली थी दैट वाज रिलेटेड टू पेमेंट इंडस्ट्री एंड इट वाज एन IT ऑपरेशन जॉब। तो मैंने वो की एंड आई लाइक इट, मुझे अच्छी लगी, वो नेचर अच्छी थी जॉब की, बट टफ थी। वहाँ पर इतनी टफ नहीं थी, बट इस्लामाबाद में ज़्यादा टफ है। पर खैर एनी वेज द थिंग इज़ कि IT ऑपरेशन इज़ अ सेपरेट फील्ड, डेवलपमेंट इज़ अ सेपरेट। तो मैं IT ऑपरेशंस के लिए, डेवलपमेंट से दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं रखा हमने, लेकिन हमें चीज़ें पता हैं तो ये है कि उसके लिए हमें काम आसान हो जाता है। बेसिकली चीज़ें पता होना इज़ अ गुड थिंग IT ऑपरेशन वालों के लिए भी। लेकिन अगर IT ऑपरेशन में ऐसे भी लोग हैं जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है जिन लोगों ने, इवन मैकेनिकल वाला भी शायद मैंने एक आध देखा था बंदा, और उसके लिए उन्होंने 2-3 कोर्सेज़ किए होते हैं उसके SQL वगैरह के, and they hop into this job। क्योंकि IT operations is kind of क्या आपने अपनी सारी चीज़ों को up and running रखना है, तो वो उसके लिए होती है ये मेरा IT operations की ये चीज़ होती है। वाह मैं ऑफ होगी और मुझे साउंड आई यहाँ से। क्यों नाल पंगे, क्यों नाल पंगे। बंदा तो कोई नहीं है पे बी पे, ओ है कसम है खुदा दी भाई, लक थी लाना देना थे बी। ओ भैं डरा दिया, वो तरह ही निकाल दिया मेरा। He's all clear man, why बम भी ड्रॉप नहीं है तो आप लोग की पे क्यों नहीं हो ब्रो? देखा तो बोल जी यार, अब हम सारे बारी बारी जाएंगे मरने। मार दो यार, शुक्र हमें लगा सारे बारी बारी मरेंगे इसमें। मैं एंगुलर पे काम करता हूँ, लाइक मैनेजमेंट मेरे या काइंड ऑफ मैनेजमेंट, मतलब IT के जितने भी सर्वर्स वगैरह हैं इन चीज़ों की मैनेजमेंट, मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आई थी हैं। नेटवर्क टीम आई थी है, देयर सो मेनी थिंग, नेटवर्क्स है, सिस्टम्स है, मतलब काइंड ऑफ काफ़ी बेसिकली। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेसिकली मेरी जो फील्ड है ना वो प्रोडक्ट सपोर्ट है, IT प्रोडक्ट सपोर्ट इस तरह कह लो तुम। यार इसका तरीका यही है दोस्त, आपको कोई नॉर्मल छोटा मोटा सॉफ्टवेयर हाउस तो रखेगा नहीं, क्योंकि सॉफ्टवेयर हाउस, छोटे मोटे सॉफ्टवेयर हाउस वालों को चाहिए होता है बंदा काम का, और वो पे कम, बंदा उनको काम का चाहिए होता है जो सही काम करने वाला हो, और उन पे बहुत थोड़ी देते हैं। तो आप देखो मल्टीनेशनल कंपनीज देखो जो कि फ्रेश ग्रेजुएट्स हायर करती हैं। Oh boy, that's sad. अगर आप लाहौर के हो तो फिर तो बहुत, लाहौर में तो बहुत ऑप्शंस हैं ब्रो। लाहौर में इतनी मार्केट ओपन है कि आपको बहुत जगह जगह पे इजीली जॉब नज़र आएगी, अच्छी कंपनीज़ की भी। बट यू हैव टू बी गुड एट समथिंग, कोई अच्छी चीज़ होनी चाहिए आपको, कि कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए। ईज़िली गेट अ जॉब इन लाहौर। इस्लामाबाद की मार्केट थोड़ी छोटी है एंड यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा टफ है। बाकी फैसलाबाद की भी मार्केट छोटी है बट वहाँ पे कंपटीशन भी ऐसे कम है जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि मेरा एक दोस्त था वो लाहौर छोड़ के फैसलाबाद गया था, लाहौर छोड़ के फैसलाबाद गया था वो। बखैर वो टोटली सेपरेट स्टोरी है। बस वही बात है यार, जैक ऑफ ऑल ट्रेड नहीं बनना, आपने कोशिश करनी है। वैसे तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड भी चलते हैं मार्केट में, बड़े भागते हैं मुझे, किसी एक को मास्टर कर लो, गुड सीन। अच्छा तुम लाहौर के हो, फिर तो बेस्ट है। लाहौर में I2C यार, मैं ख़ुद वहाँ पे कितने 8 महीने मैंने वहाँ जॉब किया था। मैंने स्विच किया था इस्लामाबाद के लिए क्योंकि लाहौर मुझे सूट नहीं किया। लाहौर ऊपर से मेरी शादी हो गई थी, सो दैट्स वन ऑफ द रीज़न। अदरवाइज I2C इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन पाकिस्तान, टू बी ऑनेस्ट। ओपनली वोट है मेरा उस कंपनी के लिए। मतलब मुझे अभी भी वो कहना कि यार मैं इस्लामाबाद में ऑफिस खोलें, आप आना चाहोगे, मैं कहूँगा भाई मुझे इतनी पे जितनी पहले दे रहे थे उतनी पे रख लो, मैं आ जाऊँगा। मतलब वो इतनी अच्छी कंपनी है टू बी ऑनेस्ट। बाकी यार आपके पास बहुत से ऑप्शन है, आपने एक्सप्लोर करो। सबसे पहले तो अपना लिंक, आइदर यू आर अ मैकेनिकल इंजीनियर और एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और CS ग्रेजुएट और सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मेक श्योर टू हैव अ प्रॉपर LinkedIn प्रोफाइल। LinkedIn प्रोफाइल बहुत ज़रूरी है बॉय, विदाउट इट आप अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकते किसी भी चीज़ के लिए। एंड वी हैव वन द राउंड। यहाँ तो बहुत फर्स्ट गेम चल रही है। बट यार मैं OBS मैकेनिकल में मुझे हायर नहीं करेंगे यार, लोग कर लेते हैं हायर, जस्ट डोंट वरी, जस्ट किसी के थ्रू रेफ़र करा लो किसी अच्छी कंपनी में। लेकिन उसके अंदर आपके अंदर आपने मेंशन क्या करना है, देखो सीवी डिग्री नीचे लिखी होती है, उससे पहले लिखा होता है आपकी स्किल्स, डिग्री कौन सी की है, कहाँ से की है, ये लिखा होता है डेफिनेटली। और बड़ी कंपनीज ये भी देखती हैं कि आपने डिग्री की कहाँ से। लेकिन जो बात है ना, जो आपकी स्किल्स होती हैं वो आपने टॉप पर मैंशन की होती हैं स्किल्स। तो स्किल्स में आपने अगर लिखा होगा SQL, जावा, ठीक है, MongoDB, SQL मतलब ये चीज़ें लिखी होंगी, C++, तो भाई उनको पता होगा लड़का काम का। और जब उनको पता होगा लड़का काम का तो दे विल डेफिनेटली गिव यू एन अपॉर्चुनिटी। एटलीस्ट तुम टेस्ट तो दोगे ना, क्लियर ना करना हो तो तुम्हारे अपनी काबिलियत पे। बंदा तो इधर ही था, देखा मरी जा रहे हैं सारे। यार रेफरेंस इस तरह का नहीं मैं कह रहा, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ ना, LinkedIn के प्रोफाइल में और LinkedIn पे जॉब्स आई होती हैं, बस अपना रेज्यूमे वहाँ पे छोड़ दो। मैकेनिकल इंजीनियर नीचे मेंशन करना डेफिनेटली करना पड़ेगा, बैचलर्स किया, लेकिन अपनी स्किल्स सबसे ऊपर लिखो भाई। SQL का चैंपियन हूँ मैं, बात खत्म। SQL तुम्हें आती हो तो तुम्हें बहुत सी जॉब्स मिल जाएंगी आराम से, क्योंकि SQL जो है ना वो इस वक्त IT ऑपरेशंस का ना बाप है समझ लो। IT ऑपरेशन में SQL जिसको आती है उनको बहुत प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि SQL का काम ज़्यादा होता है। आपको डाटा निकालना है, डाटा फेच करना है, डाटा डालना है DBs के अंदर, तो उसके लिए आपको SQL ही चाहिए। शेट, इसको तो फुल स्प्रे मारना था यार, इस बंदे को फुल स्प्रे मारना था। कनेक्टर ओ भाई मरेगा। नाइस, भाई को MVPs मिल रहे हैं, थैंक यू सो मच गाइस। आई नो SQL बट जस्ट बेसिक्स यार, SQL कोई बहुत ज़्यादा लंबी छोटी चीज़ नहीं है टू बी ऑनेस्ट। जस्ट हैव हैंड्स ऑन जॉइंस आपको अच्छे आने चाहिए। जॉइंस नहीं लगा सकते, इफ सपोज जॉइन नहीं लगा सकते, जॉइन इज़ नॉट नेसेसरी, बट अगर नहीं लगा सकते तो सब क्यूरीज आनी चाहिए आपको। तो ये चीज़ें आपको, ग्रुप बाय की चीज़ें समझ आनी चाहिए, ग्रुप बाय लगा लो, ऑर्डर बाय लगा लो, ये चीज़ें की बेसिक्स आपको पता होंगी ना। ये थोड़ी सी एडवांस सीख लोगे तो, क्योंकि थोड़ी सी एडवांस सीख लोगे तो आपको बड़ा ईजिली हो जाएगा, क्योंकि यूजली इंटरव्यूज़ में आपसे SQL ही पूछेंगे IT ऑपरेशंस की डिपार्टमेंट के अंदर, लाइक प्रोडक्ट सपोर्ट, प्रोडक्शन एनालिस्ट, येलो कौन है भाई? येलो तो नहीं होने वाला, येलो नहीं है। क्यों किक कर रहा है भाई? भाई ओ भाई 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 एसक्यूएल को मास्टर करो लड़के, तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और ऑनेस्टली भाई मल्टीनेशनल कंपनीज फ्रेश ग्रेजुएट को हायर करती हैं एंड दे पे रियली वेल। फ्रेश ग्रेजुएट को इतना पे करती हैं जितना उनकी सोच पे नहीं होती। तो अगर आपके अंदर दम है और स्किल है और एसक्यूएल आती है अच्छी तरीके से, जाओ भाई लिंक्डइन पे जाओ और थप्पड़ फाड़ दो। कंपनी में अप्लाई करते रहो तो इजी अप्लाई का ऑप्शन होता है। भाई बहुत बढ़िया छुपाव है मोंडी स्टोर ब्रो। बेसिक्स आनी चाहिए, एडवांस चीज़ें बंदा इंटर्नशिप जॉब में सीख लेता है यार। असल में देखो इंटर्नशिप तो इजी सीन है, वो तो मिल जाती है, बट अगर आपको और आपको यार एज अ फ्रेश ग्रेजुएट जॉब मिल जाती है। जॉब मार्केट में बहुत ज़्यादा है, तुम्हारी सोच से ज़्यादा जॉब है। जो लोग कहते हैं ना जॉब्स नहीं है पाकिस्तान में, तब झूठ बोलते हैं। टू बी ऑनेस्ट मैंने देखा है मार्केट में जॉब्स हैं, बट यू जस्ट हैव टू प्रूव इट कि यार आपको आपके अंदर स्किल है। टू बी ऑनेस्ट जॉब्स मार्केट में हैं, लिटरली हैं, स्पेशली लाहौर में तो बहुत हैं। क्योंकि मैं वहाँ से निकला हूँ ना, मुझे पता है मुझे लाहौर में बहुत ऑप्शन थे, इस्लामाबाद में थोड़ा मुश्किल होता है, हो रहा था मुझे। बाकी मतलब जो जिसके पास ज़्यादा अच्छी स्किल होगी उसके लिए इस्लामाबाद में मुश्किल नहीं है, लेकिन जॉब डायरेक्ट मिल जाती है। लेकिन एक तो बिल्कुल बेसिक होती है ना, बेसिक से थोड़ी सी एडवांस सीख लोगे, आपको पता हो क्या हाँ ये चीज़ होती है, यू हैव द नॉलेज। कोई बात नहीं अगर तुम फ्रेश नहीं हो यार, इसमें क्या बात है, फ्रेश नहीं रहे तुम इतना तो कह सकते हो ना भाई कि अगर इतनी देर तुम कहोगे जी मैंने जॉब नहीं किया जो भी बटावा था सीन, तो उससे कह सकते हो सर मैं मैकेनिकल इंजीनियर था तो मैंने इसलिए कोर्सेज़ किए तो मुझे इसमें टाइम लग गया। यू कैन ऑलवेज हैव अ रीज़न यार, यू कैन ऑलवेज आर्ग्यू। हमारे पास एक आर्ग्यूमेंट होना चाहिए कि सर ये रीज़न है मैं इसलिए ऑफ द रिकॉर्ड था इतने साल से। लाइक अगर तुम 2019 के ग्रेजुएट हो एंड टुडे मतलब right now is 2021 or 2022, you can say that as I was doing courses online and I've been working really hard on SQL and these and these and I mastered these skills. So मतलब कान बंद करके खेल रहे थे लोग, इसकी तुम कान खोल के खेल लो गेम भाई। खैर मेरे अभी फैसलाबाद में कौन सी मल्टीनेशनल कंपनी है सैफ रहमान? यार फैसलाबाद में मल्टीनेशनल का तो नहीं मुझे पता, लेकिन मेरा एक दोस्त स्विच करके गया था, लेकिन वो आईटी ऑपरेशन से डेवलपमेंट में गया था। तो डेवलपमेंट की जॉब्स तो होंगी फैसलाबाद में डेफिनेटली, वो तो कहीं भी मिल जाएंगी आपको, क्योंकि डेवलपमेंट जो है ना वो छोटे मोटे सॉफ्टवेयर हाउस हर सॉफ्टवेयर हाउस बल्कि डेवलपर ही लगता है, उनको IT ऑपरेशन चाहिए नहीं है। दे कांट अफोर्ड IT ऑपरेशन डिपार्टमेंट, ओनली अ मल्टीनेशनल और बिग कंपनी कैन अफोर्ड IT ऑपरेशन। ये बात फैक्ट है, IT ऑपरेशन जो है ना बड़ा महंगा काम है टू बी ऑनेस्ट, एंड ओनली दोज कंपनी हैव दीज डिपार्टमेंट जिनका बिजनेस काफ़ी स्केलेबल है और काफ़ी एक्सपैंड है, तभी वो मल्टीनेशनल कहलाती है ना। अबे आप उठा ले दे प्लांट यार, दे भी डिलीट करो और वॉरजोन आओ। चुप चुप कह रहे हैं वॉरजोन आ जाओ, नहीं डिलीट क्यों करनी है दोस्त, हम वैसे ही वॉरजोन आ जाएंगे। हाय हाय रैंक नहीं बढ़ा यार, आई थॉट के इस टाइम तो रैंक बढ़ जाना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, वी प्लेड रियली वेल, दैट्स द मेन थिंग। अभी अच्छा अभी जो सॉरी अभी जॉब तो मैं कर रहा हूँ मैकेनिकल की, फ्रेश ही हायर हुआ था 2020 में, तो परफेक्ट है। अगर आपको अपनी डिग्री से रिलेटेड जॉब मिल गई है देन दैट्स फाइन, बट इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड एंड यू हैव इंटरेस्ट इन CS रिलेटेड फील्ड देन डेफिनेटली यू कैन डू सम कोर्सेज ऑनलाइन। Coursera से, Coursera है आई थिंक, Coursera ही है नाम उसका, Coursera से तुम एक दो कोर्सेज करो, ठीक है। आई वुड रिकमेंड, अगर आप IT ऑपरेशन में आना चाहते हो तो देयर इज़ अ कोर्स फॉर बाय Google टेक्निकल सपोर्ट, तो वो आप कोर्स करो, SQL का कोर्स करो, एक दो कोर्सेज हैं टोटल, दो या तीन कोर्सेज बनते हैं, रेलिवेंट होंगे एक दो कोर्स करो और IT ऑपरेशंस में घुस जाओ, बेस्ट जॉब है। भाई ये है कि थोड़ी हेक्टिक हो सकती है क्योंकि डेवलपर्स की तो सिर्फ मॉर्निंग शिफ्ट होती है, IT ऑपरेशंस में मॉर्निंग नाइट इवनिंग चलती रहती है। खैर लास्ट मैच तो अपना जीत गए हम लोग, जानी पहला काम तो करना है CV बनानी है अच्छी सी, जिस पे स्किल्स टॉप पे मेंशन हो, आपके रेज्यूमे शुरू हो, एक छोटा सा पैराग्राफ हो या दो तीन लाइनें हो आपके बारे में, एंड देन कम डाउन स्ट्रेट टू योर स्किल्स एंड मेंशन द स्किल्स इस सेंस में कि जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी आती है। एंड डोंट मेंशन वो जो लोगों को मैंने देखा है कि वो अपनी स्लाइडर लगा के बैठते हैं कि यार मुझे इसमें इतनी स्किल है, इसमें इतनी स्किल है, डोंट मेंशन दैट, जस्ट पुट द नेम्स ऑफ द स्किल्स दैट यू हैव एंड मूव ऑन। उसके बाद सेकेंड थिंग, स्किल्स के बाद एक्सपीरियंस, डेफिनेटली अगर आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, नहीं भी है तो मेंशन कर दो, भी कर सकते हो, ना भी करोगे तो कोई मसला नहीं क्योंकि रेलिवेंट नहीं है। तो अच्छी तगड़ी CV बनाओ, लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट करो, सबसे पहले अपने इंटरेस्ट शो करो, वहाँ पे घुस जाओ। तुम 100 अप्लाई करोगे एक तो रिप्लाई करेगी ना कंपनी, 100 जगह अप्लाई करो एक रिप्लाई करेगी डेफिनेटली। अभी जो मैं कर रहा हूँ, अच्छा जी मैं Udemy पे वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर रहा हूँ, कोर्सेज, अच्छा Udemy इज़ अ गुड ऑप्शन, Udemy में आप कोर्सेज कर सकते हो, अपनी स्किल लेवल बढ़ा सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द कंपनी डोंट रिकगनाइज Udemy एज अ ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म, आई डोंट नो वाई, बट मैंने बहुत कम सुना Udemy, ऑल्दो मुझे पता है Udemy का, लेकिन किसी कंपनी को प्रेफर करते हुए कम देखा है कि वो Udemy के कोर्सेज़ को प्रेफर कर रही हो। Coursera इज़ लाइक अ बेटर ऑप्शन बट यू हैव टू पे फॉर इट, Udemy में बहुत से फ्री कोर्सेज भी होते हैं एंड टोरेंट से भी डाउनलोड हो जाते हैं, बट दैट डजंट मीन एनी थिंग, यू कैन ऑलवेज डाउनलोड अ कोर्स ऑनलाइन थ्रू टोरेंट एंड जस्ट गेट द स्किल दैट यू वांट, इट रियली डजेंट मैटर इफ़ यू हैव पेड फॉर इट और नॉट। खैर अगली गेम कौन सी खेलेंगे ये बताओ जल्दी से। थैंक्स फॉर द एडवाइस, नो प्रॉब्लम ब्रो, एनी टाइम यार, किसी का भला हो जाए इसमें हमें खुशी होगी ना, हमारे से देखो तुम कहीं जाओगे तुमको क्या नहीं, मुझे कभी जहन में आएगा यार जबी से एक बार लड़का होता था YouTube पे, उससे बात हुई थी, उसने थोड़ा सा समझाया था थोड़ा सा, तो अच्छा लगेगा हमें। आई एम टोरेंट पायरेट, हाँ एग्जैक्टली यार कोई मसला नहीं है, देयर इज़ नो शेम इन डाउनलोडिंग टोरेंट स्पेशली फॉर दिस स्टडी पर्पज़ और लर्निंग पर्पज़, इट्स कम्प्लीटली फाइन। हम लोग गेम्स मूवीज़ इतनी चीज़ें क्रैक करके बैठे होते हैं, वाई नॉट स्टडीज़। इन्वाइटेड यूट्यूब, ओके यहाँ पे इनवाइट किया गया है, अगर हमें इनवाइट किया गया है तो हम खेल लेते हैं। ये 2 सिल्वर लीड हैं, 2 GN2 हैं, मार खाने वाले हैं हम बहुत ज़्यादा। मैं सोच रहा था यार बैटलफील्ड खेलने के लिए भी, क्योंकि बैटलफील्ड 5 इज़ रियली फन, इवन बैटलफील्ड 1 इज़ ऑल्सो गुड, वो भी अच्छा है, मज़ा आता है। लेकिन क्रैक का कोई चोरी नहीं समझता, हाँ ऑल्दो बिल्कुल सही कह रहे हो साहब, समझता है ऐसी है, क्रैक को चोरी नहीं समझता, बट इट्स टेक्निकली इट्स अ चोरी, बट एथिकली यार मैं भूल गया हूँ, ये दो कॉन्सेप्ट थे, एथिकल और एथिकल होता है और एक दूसरा मॉरल होता है, आई गेस भूल गया हूँ यार, मेरे दिन से निकल गया भाई। ये एक दो थ्योरीज थी हमने पढ़ी थी, तो उसमें होता है कि एक चीज़ आपको पता है बुरी है बट आप सब कर रहे हैं तो इसका मतलब है इट्स ओके, अगर सब कर रहे हैं तो यू कैन डू इट ऑल्सो, तो इस तरह की एक थ्योरी थी। खैर नहीं बस मेरे जहन में नहीं है तो मैं भी गलत बयानी नहीं करूँगा। ओह इशरक सुबान कैसे हो दोस्त, वेलकम टू स्ट्रीम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड बिग फैंस भाई, थैंक यू सो मच ब्रो। You always make me happy. Thank you so much for coming. And again, Miraj. Come on, yeah. Why? Why? इसने प्राइम इनेबल किया था. आई डोंट नो इफ प्राइम वाज इनेबल्ड. प्राइम मैच जरूरी है भाई. ये साजिद बोस एलईडी का जो है ना गायब हो गया. आजकल साजिद जो है ना, साजिद क्या हो गया मुझे. आजकल जो साजिद है ना वो, हाँ साजिद, आजकल साजिद है ना वलीद साजिद, ये गोलीबाज हो गया. 2-3 यार मैंने माउस चेंज करना है. मुझे लग रहा है कि मुझे माउस लेना पड़ेगा. सस्ते माउस की जो है ना वो गेम प्ले और फील नहीं है मज़े की. तो चाकू दो लगते हैं यार. मुझे नहीं पता था, आज तक मैंने CS:GO में चाका नहीं मारा किसी को. ये मुझे लग रहा है शेल्बी बहुत मारेगा. ये प्रो लड़का लग रहा है मुझे. हमारी बहुत कुछ करनी है अभी तो. हम मज़े ले रहे हैं ना. इन्होंने बहुत मारना है. G402 इज़ बेस्ट नो डाउट. G402 मैंने पर्सनली यूज़ नहीं किया, लेकिन मैंने बहुत से गेमर्स को यूज़ करते हुए देखा है, स्पेशली फॉर जो COD 4 के प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं जो लैंड खेलते हैं. 402 इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेमिंग माउस. बट ऑनेस्टली मैंने इससे पहले 502 इससे पहले मैंने 502 यूज़ किया हुआ, तो उसके बाद तो मुझे कोई माउस अच्छा नहीं लगा. 502 इज़ लाइक मलाई माउस, और मुझे मेरे हाथ में परफेक्ट बैठता है वो. यार मैं बता रहा हूँ ये बहुत कुत्ते प्लेयर हैं यार. इनके तो एम है, मैं तो भाई खाते भी नहीं आता. कसम खुदा की 64 यार मुझे समझ आती. कम ऑन यार, दिस गाइज आर रियली प्रो मैन. बहुत बहुत कुत्ती करेंगे हमारी. घर में बैठकर काम नहीं होता, लेजीनेस रहती है. हेलो फ्रेंड, हेलो हेलो बॉयज. ईरानी या ईराना हस्ती. सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम. आर यू स्ट्रीमिंग? यस आई एम. बिग फैन सर, बिग फैन. Thank you bro, thank you. This clip. Bomb has been planted. Oh man. वैसे ऑनेस्टली बताऊँ मेरा तो वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है. मैं तो काफ़ी टाइम से घर से ही काम कर रहा हूँ. ये ब्लड रेन जो है ना फुल हेडशॉट की ट्राई कर रहा है. एंड ओह माय नाइस. ओह मैन यार कसम से जीता हुआ राउंड हार गए. हिट मैन. लेट्स गो बी ब्रो, लेट्स गो बी. क्या किया जाए. पिस्टल में TAC-9 यूज़ करते हैं. सॉरी फॉर द बर्ड. ये वैसे मैंने रिसेंट मतलब काफ़ी रिसेंटली सुना होगा शायद, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है कि डकार को बर्ड कहते हैं ना. मतलब पता होगा शायद, लेकिन रिसेंटली मुझे याद आ रहा है कि मैंने सुना किसी से. काफ़ी मतलब हमने डकार लेते हैं, कभी सोचा ही नहीं कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं. तो सारे चढ़ गए इधर ही. हो हो भाई इधर तो तबाही फेरी हुई है लड़कों ने. ओके हाँ एग्जैक्टली बर्ब कहते हैं, बार्किंग कहते हैं. मतलब तुम बार्किंग करते हो और हम बर्ब करते हैं. क्या तुम बहुत तेज हो रहे हो यार. कैसी कैसी बातें निकाल. ओ बॉय ये वॉल बैंक लगता है यहाँ पे. Oh, laggy. Oh my goodness. That was short. Get low short. Oh shit man. Oh भाई दो प्लस मतलब दो असिस्ट. Short. Nice boys. अबे यार कॉपीराइट ना पड़वाना भाई को. अबे प्लीज कॉपीराइट ना पड़वाना भाई को. Oh, we can buy an op. That was oh shit यार ये क्या ले लिया मैंने. गलती से मिस्टेक हो गई हमसे. भाई तू ना in front of jungle. मरा नहीं अभी तक. ओह माय गुडनेस. फॉर्टेड आएगा. मेरी टीम ही काफी है इन लोगों के लिए. वन थिंग आई हेट अबाउट CS:GO इज यू कांट एम डाउन साइट. या ट्रू दैट. मुझे भी शुरू में CS:GO बिल्कुल पसंद नहीं थी एंड द ओनली रीजन फॉर दैट इज के एम डाउन साइट नहीं है और इसलिए मुझे कोशिश होती है कि मैं हमेशा ऑप यूज़ करूँ क्योंकि उसमें एम डाउन साइट होता है. मैं जब फैमिली के साथ रहते हो या सेपरेट. यार मैं लाहौर में जब था तब तो सेपरेट रहता था लेकिन अब फैमिली के साथ रह रहा हूँ और फैमिली के साथ रहने में यार खुशी है टू बी ऑनेस्ट. लेकिन जब आपको कैरियर बनाना हो तो अकेला रहने में कोई हर्ज नहीं है. One be shot. Yeah. Trying bringing bomb to here. Oh यार कसम खत्म. दवाई फेर दिया. ब्रो वेलो ट्राई करी है तौफीक अली. यार तौफीक भाई सबसे पहले तो वेलकम टू स्ट्रीम. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. वैलोरेंट की बात यह है कि यार लड़के मेरी वैलोरेंट चल ही नहीं रही. Because I have upgraded to Windows 11 and Windows 11 for Valorant है ना वो Windows 11 को भी support नहीं कर रही सही से. There is some kind of error for TMP 2.0 and safe boot. हाँ safe boot. तो ये एक reason है कि Valorant चल ही नहीं थी मेरी इसलिए मैं खेल नहीं रहा. गरीब है. और honestly Valorant मुझे personally पसंद भी नहीं है honestly. On a serious note मुझे उसकी abilities वाली चक्कर थी. मुझे जो है ना ये old school ज़्यादा अच्छे लगती हैं गेम में. ये उड़ने छुड़ने वाली और ये एबिलिटीज वाली गेम मुझे पता नहीं क्यों पर्सनली पसंद नहीं है. आई जस्ट डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ गेम्स. वन मिनट पुश. ओके इसकी धूम तीन बंदे चढ़ गए मेरे पे भाई. अगले चढ़ गए हम पे. आई लव विंडोज़ 8.1 मैंने पर्सनली वैसे यूज़ नहीं किया. आई जस्ट सडनली तो नहीं. खैर मैंने डायरेक्ट जो है डायरेक्ट विंडोज़ 7 से विंडोज़ 10 पे स्विच किया था. तो जाना किधर है. और विंडोज़ 11 तो मैंने बहुत पहले ही स्विच कर ली थी. ओ भैंस की धूम मार गया. एक्सजी विंडोज़ 11 ने प्रैंक कर दिया. हाँ काइंड ऑफ प्रैंक ही समझ लो यार. बस वो गेम चल ही नहीं रही मेरे साथ. और मैंने काफ़ी फॉर्म्स पे भी देखा है तो उस पर भी यही रीज़न आ रहा है कि वेलेंट हैज़ नो सपोर्ट फॉर विंडोज़ 11 येट. बट दे आर वर्किंग ऑन इट. जब होगा तब देखा जाएगा. वैसे भी आई एम नॉट फैन ऑफ वैलोरेंट तो मुझे कोई खास फर्क भी नहीं पड़ता. हम मार्केट में ऑफर है. शॉर्ट प्लांट है. यप, उड़ने छुड़ने वाले फोर्टनाइट टाइप गेम आर शिट. या एग्जैक्टली मुझे इसलिए फोर्टनाइट भी नहीं पसंद और मुझे वो भी नहीं पसंद. ओ भाई तीनों आ गए यार, तीनों आ गए. क्या चल रहा है बॉयज? किक शिक कर रहे हो? शट अप नूब. हाँ तौफीक कह रहे हैं ब्रो ट्राई करो एक दफ़ा. मुझे भी अच्छी नहीं लगी. मुझे भी अनलिस्टिक गेम पसंद नहीं है मगर बहुत फन है उसमें. नहीं मैंने खेली हुई है दोस्त, मैंने काफ़ी खेली है वैलोरेंट. इवन मैंने ओपन किया था सिल्वर 1 ओपन किया था रैंक वैलोरेंट के अंदर. तो मैंने खेली है काफ़ी, ऐसी बात नहीं कि शौक तो मुझे ही बड़ा था, नई गेम थी. लेकिन वही बात है कि मुझे उसमें ना एक तो मेरे साथ कुछ खास टीम भी नहीं है ना, वो टीम के साथ खेलने का ज़्यादा मज़ा आता है. यू डोंट इन्जॉय इट प्लेइंग अलोन. बंदा ऊपर पैन दिस सीरी. ओके बहुत बैड थिंग चल रहा है यार. ओ भाई वो पुश कर गए वो अगले. Oh, 1v1 boy, you can do it. Left में ना. Oh GG यार, चीता लगा. आप किधर? लड़का अच्छा खेलेंगे यार. इतने boys pro हैं. We will make them cry. ओह मैंने वो गेम ली. फ्लैशबैक इक्वल दैट मे बी इक्वल ऑन. मार दिया. ओ भैंस की तुम, ये क्या हुआ? शिट दैट वाज. ओ भाई मैं असल में अपने से ऊपर के लेवल के लोगों के साथ खेल रहा हूं. दे आर प्रो मैन. शॉट GN2 के साथ खेल रहा हूं मैं. जेंट्री स्पीक ये क्या है दोस्त? ये इसका मुझे आइडिया नहीं है जो तुमने बोला. शायद मैंने सही बोला भी ना हो. तो बहुत गंदी हो रही है. स्टेज ऊपर है. प्लांट कर दे फिर. Oh boy. लड़के प्रो हैं हमारे साथ भाई, टेंशन नहीं है. GN1 खोल के रहेंगे आज. लेगा पिक्स नेक्स. अरे हमने टीम को नीचे से उठाया हुआ है. यार एक प्लेयर है उसके नेम फेमस है तो वो भी इसी तरह की पिक्स कराता है, इंस्टेंट हेडशॉट पीछे राउंड के तरह। अच्छा वह लड़के यही सीन है, फिर मैंने उसको देखा नहीं है वैसे। रश हो रहा है, क्या करना है भाइयों बोस एलईडी का यार, ये तो साथ ही छुपा हुआ था। हमारी टीम सोच रही है कुछ, ये गया बच गया। विंडो यार एक शॉट, एक विंडो एक कनेक्टर। अबे यार हम अपना म्यूजिक डाल रहे हैं इसके अंदर ताकि हमें ना कॉपीराइट ना पड़े। इन पीक को फरारी पीक्स भी कहते हैं। अच्छा वाह यार, मैंने कभी ये वर्ड सुना नहीं है ऑनेस्टली। अच्छा वेट करो, मैं फास्ट एग्जीक्यूट करूं। नाइस यार, पहली बार सुन रहा हूं। फ्लैश तो बस पीछे फ्लैश तो बस ओह फ्लैश दे रहे हो। और प्लांट दे रहा हूँ। सिटी 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 गैस सिटी कनेक्टर 50 है भाई। फायरबॉक्स कौन गया था? वाइड ये क्या हुआ है? ये फरारी पीस की जगह हमें तो बड़ी कुत्ती हो रही है, क्या करें यार। अल्लाह अकबर, कुछ तो करना पैसी राजा जी बूरामी। लेट्स गो माय ब्रदर्स। हेलो ब्रदर, येलो कौन है? भाग क्यों गया भाई? यहाँ मुझे डर लग रहा था। और क्या करना है? येलो मैं था। अच्छा येलो तो मैं था ही नहीं, मैं येलो ही था। हाँ मैं येलो ही हूँ, है ना? इको कर रहा। बी करना बताओ फिर। चलो फिर भी रश कर। रश ब्रो, ए साइड पे सिटी जाओ जब साइड क्लियर हो। साइड क्लियर हो यार, बात तो तुम्हारी ठीक है। ओ नाइस यार, बैक साइड फ्लैश बम्बर कंपास प्रॉपर मार्केट। शॉर्ट बंदा आ गया भाई, शॉर्ट तो देखो कोई तुम लोगों में। शॉर्ट दो यार, मार्केट ये ओह भाई बहुत कुत्ता कर रहे हैं यार। क्या चल रहा है दोस्त? ऐसे तो नहीं होता, ऐसे होता है। ड्रॉप दे ओए, किधर गए? ग्रीन ड्रॉप दे यार। ये देख ना, 2 GN2 हैं। अब हम बेचारों की क्या औकात है यहाँ पे लोग। मेन यार क्लोज है। डिफरेंट 26 यार। तो कुछ ज़्यादा प्रो लोगों सा खेल रहा हूँ यार ब्रो। इंटरनेट कौन सा यार? मेरा इंटरनेट नया टेल है, नया टेल। ओ फाइनली मतलब मेरा आईएसपी नया टेल है, इंटरनेट मेरा फाइबर है। पता नहीं सही टर्म्स बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा। हाँ आईएसपी तो मेरा नया टेल है। कैनीस अबे बातें करा रहे हैं लोग एक दूसरे को। ओह वाह यार मैं लास्ट पे नहीं हूँ, मैं सेकंड पे आ गया हूँ, सेकंड लास्ट पे। कितना एमबी यार? मेरा 18 एमबी है। आ जाओ कवर दे दो। अरे पाजू लोड तो एक सीटी है उसका दूसरे का। दूसरा पहला जी डिफ्यूज करो, डिफ्यूज। ओ भाई क्या बात है। यार डिफ्यूज किट जरूरी है, बाकी खैर है। एसएमजी भी पकड़ लेते हैं। ओए ओए होए मेरी कमर। ए पे बंदा, ए पे बंदा। डॉपर डिकॉय स्काउट। बी coming bro coming। जल्दी हाँ यार। लेफ्ट साइड जी। ब्रो जॉब करते हो या अभी स्टूडेंट हो? नहीं यार मैं जॉब करता हूँ दोस्त। मैं 2020 में ग्रेजुएट हो चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हम जॉब करते हैं, आज वेले हैं तो इसलिए गेम खेल रहे हैं। I think I should take nades as well. Come on, chop. Grenade. पर मैं देख लेना। Throwing fire. Flashbang. Wait, hey boys. Incendiary. Flashing him in pitch. Yeah, Tetris है, bomb भी drop है। भाई मेरे पहले बंदे पड़का दिए भाई। प्रो पीप्स बॉयज। तो ठीक ये मैंने क्या किया है? ओ हेलो ये किया मैंने लोल। मेरे लैपटॉप 19 के एंड में जल गया था, उसके बाद से अभी तक सीन ऑफ है। ओए होए दैट सैड मैन। तो अच्छा जल कैसे गया यार? लाइक ओपन सीरी हेडशॉट सीधा। लाइक आग लग गई थी कि कोई कंपोनेंट सड़ गया, क्या हुआ? नीचे कूदा अंदर। मैं ये जा रहा हूँ फिर जा मतलब ICU। अच्छा ठीक। चलो कोई नहीं यार, हो जाता है यार, कोई बड़ी बात नहीं है। दो ऊपर है मिड टॉप। अगर रोला शोला हो जाए कोई मसला नहीं है भाई। ये है कि आप दोबारा से अगर स्टूडेंट हो तो पॉकेट मनी जमा करो, अगर जॉब करे तो सैलरी जमा करो, बाय अ न्यू वन। आई सजेस्ट कि अगर लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है आपको तो आई थिंक यू कैन ईजिली गो फॉर अ पीसी। पीसी आपको सस्ते में मिल भी जाएगा और जितने का आपको लैपटॉप मिलेगा उतने में आपको काफ़ी अच्छा पीसी मिल जाएगा, लाइक एन एंट्री लेवल गेमिंग के लिए। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर लैपटॉप की रिक्वायरमेंट नहीं है तो गो फॉर दिस टाइम। मैंने खुद बीच में लैपटॉप लिया था when I was in Lahore, तो मैंने वहाँ पे लैपटॉप लिया था क्योंकि मैं वहाँ पे पीसी रख नहीं सकता था, पीसी रखने का जगह नहीं थी और ऑफिस था। हाँ पीसी रखता मैं क्या करता, तो मैंने तब गेमिंग लैपटॉप लिया था। बट इट्स नॉट वर्थ इट, जितना मर्जी अच्छा लैपटॉप ले लो, इट्स नेवर मीट द पावर लेवल ऑफ पीसी, गेमिंग पीसी। ऑल्दो उसके अंदर Ryzen 7 था एंड 1660 Ti था उसके अंदर, बट स्टिल इट वाज नॉट इनफ। फेक हो रहा लगता है भाई, क्या सीन है? ये होने वाला, ये फेक भी होता है बीबी अंडर बस से जाओ। अबे मैंने पूरा क्यों नहीं मारा? ओह शिट मैन, एक हिट लगी उसको। Yeah, I'm going for PC this time, but couldn't save up for it and everything. Every time some shit comes up, like maybe an emergency or admission for college or academy or rent or some other shit. ये चीज़ें तो होती हैं, no doubt, ये चीज़ें तो आपकी लाइफ में आती रहेंगी और being a male आपको तो ये चीज़ें देखनी भी पड़ेंगी, मजबूरी है ना, मतलब सोसाइटी और हमारा मतलब नॉर्म्स ही ऐसे हैं, तो ये तो साथ चलेगा। इसको हम ना छोड़ सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं, बट ये कि आप थोड़ा सेव करो। और आज पैलेस 34 नीचे ए मेन प्लांट हो रहा है, ए प्लांट हो रहा है। कमिंग बी साइड बी है क्या? वाह जंगल 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 and keep in mind today price है 1780 के। नहीं GPU नहीं लेना दोस्त, अभी GPU नहीं लेना, GPU भूल जाओ फिलहाल। अभी तुमने एक Intel का या Ryzen G CPU लेना है, मेन का प्लान नहीं है तो स्टिक कर दो, तो GPU तो भूल जाओ। मैं खुद नहीं ले सकता था यार, although I have a job, I earn money, तो मैंने खुद GPU नहीं ले सकता था और मैंने नहीं भी लिया। मैं ये जो मेरे पास GPU है मुझे गिफ्ट किया था एक हमारे कॉड फोर कम्युनिटी के बंदे हैं, मार्क एक्स जानते हो शायद आप लोग, यूनिटी मार्क एक्स, जो कि अभी रिसेंटली कॉड फोर वैलोरेंट के टूर्नामेंट भी करा रहे थे। उन्होंने काफ़ी बड़ा टूर्नामेंट कराया था तो उसने मुझे गिफ्ट किया था 1650, अदरवाइज मैं नहीं ले सकता था भाई। जारी बात है, आपके पास इतनी चीज़ें होती हैं, यू हैव टू टेक केयर ऑफ सो मैनी थिंग्स, इट सिंपली वोंट बी पॉसिबल। Good time with Hashir. Hi Hashir, कैसे हो bro? Welcome to the stream. Thank you so much for coming bro. Cover 70 mid में okay. Absolutely. One S. Short है baby, आएंगे maybe. बड़ा गंदा एम होता है यार, एक ही बोल मुश्किल है यूज करना। Okay. By the way, he still managed to give him a 52 tag. By the way, लग नहीं रहा था कि इतना ज़्यादा हिट होगा। यार, it's a 1v4. अच्छा, what's a GPU, CPU, and which one should I go for? यार, totally depends on your budget. तो जो भी तुम्हारा बजट है ना, उस बजट के अंदर आप वो CPU लो या Intel का ले लो। सिंपली उस Intel में Intel HD होता है, non-F जो है। सिंपल इंटेल का ले लो तो यू आर गुड टू गो। इंटेल एचडी पे आपकी बेसिक गेम्स चल जाती हैं यूजली, और एटलीस्ट आपके पास कम पीसी होगा चलाने के लिए। अदरवाइज़ अगर आपके पास थोड़ा सा अच्छा बजट है तो राइजन के जी सीपीयूज़ हैं, जी सीरीज़ वाले, जिसके अंदर एंड पे जी आता है। दोज ऑल्सो हैव इंटीग्रेटेड जीपीयू एज वेल। तो इधर कोई भी इंटीग्रेटेड जीपीयू वाला सीपीयू बाय कर लो, क्योंकि फिलहाल जीपीयू तो सीन बहुत बैड है, तो लेने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं इमेज देखता हूं, थोड़ा वेट कर लो। मैं भी देखूं क्या जीपीयू प्राइसेस विल गो डाउन, कब तक रहेंगे ऊपर। ओ यार मैं गोलियां मारना छोड़ देता हूँ 76 होने में। अबे क्या चक्कर हो रहा है यार, भैंस की तुम टीम बहुत मार खा रही है हमारी। ओ नाइस यार। जीपी फिलहाल कोई जो दोस्त है जानने वाला है उसे गिफ्ट, मतलब गिफ्ट नहीं, उसे थोड़ी देर के लिए बोरो कर लो, कोई 960 वगैरह, 750 Ti वगैरह। अब ये भी कहना पड़ेगा 750 Ti क्या दिन आ गया कसम खुदा की। go, go, go. यार मैंने दो कितने ऊपर है मैं यार। कम ऑन गाइस, बहुत दो प्लेयर हैं यार, अगले मार रहे हैं उसको बॉडी पे उड़ा। क्या करें यार, अपने पास इनकम ही नहीं आ रही, मतलब बाय क्या करें। पैसा नहीं है भाई हमारे पास, पैसा। या हाशिर भाई आए हैं, हाय करके चले गए हैं, क्या चक्कर है बॉय। ये मैंने क्या किया यार, ये तुम्हें खुद भी समझ नहीं आई हुआ क्या मेरे साथ। प्रो 23 या 25 के तक कोई जी सीपीयू मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा यार, ये तो काफ़ी अच्छा बैठ रहा है। इसमें तो आपको राइजन 5 2600 मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको जीपीयू चाहिए रहेगा। आप सेफ करा मेरे लिए, आप सेफ करा। भागो, आ गया ऊपर। उधर अटक गया उतने कोने में। यार दोस्त वो जो आप कह रहे हो ना 25, 23, 25 ये देखना पड़ेगा। इस तरह मैं कुछ कह नहीं सकता दोस्त, उनके ये देखना पड़ेगा कि कौन सा इसमें मिलेगा। आई थिंक जी सीरीज़ के जी पी यू क्या कहते हैं उनको, ए पी यू जिनको बेसिकली, हाँ ए पी यू ही कहते हैं यार। तो आपको ए पी यू मिल जाएंगे जी सीरीज़ के, आप पता मतलब सर्च करो गूगल पे, यू विल डेफिनेटली फाइंड वन। ये मेल आई है, दराज वाले मेल मारते रहते हैं भाई। कनेक्ट का बच्चा फिर मार गया। देख ले भाई, बी अकेला मैं हूं, मिड तो देखो। 60 आगे, 60 आगे है वॉइड। Thanks for helping out. No problem, bro. No problem. Anytime. की करिए राजा जी, बहु मार खा रहे हैं सभी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बल भाई क्या हाल है, ठीक है? सुना साके को मैसेज कर, वो नहीं आया आज। वो है, वो तो दूसरे टीएस बैठा हुआ है। दूसरे टीयर पे बैठा हुआ है। मिड ऑपर है, मिड ऑपर है। मोबाइल में ठीक है यार, ये बक्का वहां पे जवाब नहीं दे रहा। कौन? साकिब? साकिब जवाब नहीं दे रहा। कैटो 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 तेरी पे ने 502 ले लिया। तूने वाला खराब हो गया। ओए नाइस यार, मैं खुद सोच रहा था 502 लेने का। 502 बेस्ट माउस है यार ऑनेस्टली। एक हार्ड ड्राइव लिया, हार्ड ड्राइव मसला कह रही थी। ये क्या बोल रहा है? वो हार्ड ड्राइव की मसला था। हाँ वो डिस्क मतलब पेजिंग फाइल का बताना मुझे। मेरी पुरानी हार्ड ड्राइव की जिंदगी पूरी हो चुकी थी। कितने हैं? बैरा कोडर सही है ना यार, 75 आती है। बैरा कोडर बेस्ट है। ब्लैक जो थी ना वो WD की, वो तो महंगी पड़ी थी। 1 TB की 16000 की दे रहे थे, मैंने कहा नहीं भाई मुझे 6000 वाली दो। अच्छा नहीं नहीं सही है, बेस्ट है यार दोस्त। ओनली गेमिंग हाय ओनली, कैसे हो यार? वेलकम टू स्ट्रीम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अरे राजा जी वो मार खा दी है। अब बस सारी गेमें डाउनलोडिंग पे लगाई हैं। अच्छा अभी कोई भी नहीं पड़ी भी पास। वो कोड का यार मसला आ रहा था, पता नहीं क्या हुआ था। अपडेट मतलब अपडेट आई है ना, अपडेट के बाद मैंने खेली है तो वो कहते हैं कि ये जो करंट वर्जन है आपके ये जो प्रीवियस वर्जन है वो करंट वर्जन से मैच नहीं कर रहा। अच्छा अच्छा कोड का अपडेट आया हुआ है इसकी, तो मैंने देखा ही नहीं। वो अपडेट आया हुआ है हां 30-40 GB का। तो पहले बताते ना यार, मैं वेला बैठा मुझे पता ही नहीं था इसका अपडेट आया हुआ। मैं तो भाई 212 GB की गेम ही डाउनलोड कर ली पूरी की पूरी। तुम बड़े लोग हो, तुम्हारी स्पीड ही बहुत है डाउनलोड कर सकते हो। नहीं ये भी तो 40 कल रात की लगाई है, भी 40 GB रिमेनिंग है। ओह अच्छा अभी हुई नहीं है। बैटलफील्ड पड़ी है 5, बैटलफील्ड 5 लगाओ ना डाउनलोड। ओ यार नहीं वो भी नहीं पड़ी। क्या हाल है? 1 पड़ी है। पता क्या हुआ कल रात ना मैं एक ड्राइव। क्या हुआ? कोई नया सीजन आ गया? सीजन 6। हां सीजन 6 आया ना। ड्राइव यार नया मैप नहीं आया? पता नहीं शायद आया नया मैप, देखा नहीं है YouTube पे तो नहीं आया हुआ। क्रैक ही हुआ सिर्फ। चलो खैर तो रात को पता क्या हो रहा था, मैं ना फॉर्मेट करूं ड्राइव, फॉर्मेट नहीं हो रही थी। क्यों? पता नहीं वो पता नहीं एलिजिबिलिटी का कुछ कह रहा था ये ड्राइव। अच्छा मैंने आज सुबह साकिब को कहा, साकिब कहता दोबारा करके देख। मैंने फॉर्मेट किया, मुझे याद नहीं था बैटलफील्ड 5 उसी के अंदर पड़ी हुई है। अबे यार बाकी सारी गेमें मैं कॉपी पेस्ट कर ली थी। आज पहली दफा मैं फॉर्मेट हो गई, मैंने कहा ये क्या बदतमीजी है। तूने ट्राई किया ये क्या कॉपी डाटा कर रहा है? 9.5 GB पहले कॉपी कर रहा है, क्या चक्कर है? वो कॉपिंग डाटा वो आपका कुछ नहीं, वो 2-3 मिनट में आपका कॉपी डाटा कर लेगा, उसके बाद डाउनलोडिंग स्टार्ट होगी। अब ये करता क्यों? हमें समझ नहीं है वैसे कॉपी में। कोई पुराना डाटा आर्काइव करके उस पे ही नहीं नया पैच डालते होंगे। जाहिर बात है पहले इतनी बड़ी गेम है, कितनी जीबी की टोटल ये सारे कुछ मिला के 212 जीबी की बनती है। ओपन दिसरी बूम बूम रामी देवी, तेरे भाई भी ऑनलाइन है, तेरा भाई भी ऑनलाइन है। अच्छा शेडी क्या? ओ शेडी कैसा है ब्रो? वेलकम टू स्ट्रीम। वो सारी गेमें जो स्ट्रीम में पड़ी थी ना मैंने डाउनलोडिंग पे लगा दी है। अच्छा सैंडस्टॉर्म भी, स्क्वाड भी, सारी इकट्ठे ना लगा, कोई थोड़ी एक दो होने तो दे। मतलब स्ट्रीम कर रहा हूं। क्या बात है लड़के तुम, शेडी भाई बड़े लोग हो यार। बारी-बारी होती है, बारी-बारी होंगी ना। अच्छा वो स्ट्रीम पे तो क्यू में लगती है, बिल्कुल ठीक है, वो बात सही है। नहीं तो ये ओरिजिन पे वो नहीं की तूने डाउनलोड पे नहीं लगाई है, क्या नाम है इसका अपना? बैटलफील्ड। हां बैटलफील्ड नहीं अभी नहीं है, वारजोन हो जाए ना फिर लगाऊंगा। ओके वॉरजोन पहली प्रायोरिटी है। क्या अपडेट है वैसे? इसमें कोई चीज आई है? इनमें क्या डाला इन्होंने वैसे इस नई वाली? कुछ नहीं, सीजन अपडेट भी, न्यू मैप है ना यार सीजन 6, न्यू मैप एंड मोर मोड्स अवेलेबल नाउ। मैंने नहीं देखा वो, मेरे सीजन 6 की अपडेट में इसके पहले मैंने 40 जीबी डाउनलोड की है, अपडेट डाउनलोड की है और जब चलाई है तो मसला करती है। तो ये क्या कह रहा है? और MW वारजोन New map Warzone new map नहीं है सारी, बस साल पुरानी है, एक महीना दो महीने पुरानी है सारी। मेरी एक तो टाइम फारा हुई हुई है। एवरी न्यू वारजोन मैप चेंज इन सीजन 6 खड्डा हो गया बस बहुत बड़ा। किस चीज का? बस वो जो वो नहीं है क्या कहते हैं, कोई बिल्डिंग शेल्डिंग गिरा दी इन्होंने, खड्डा हो गया। हाँ स्टेडियम के अंदर से, स्टेडियम के अंदर से उन्होंने इतनी जंजला आया क्या किया है। जमीन फट-फूट गई है भाई। मतलब ये इस तरह के कॉस्मेटिक चेंज करते रहेंगे भाई। कोई अच्छा एंटी चीट लाओ, कोई नया मैप लाओ, कोई मजा आए खेलने का। मतलब व्हाट इज दिस। कह तो रहे हैं इजी की एंटी चीट लेके, यानी इजी की एंटी चीट। लोगों ने इजी के एंटी चीट को बख्शा है, एपेक्स में अभी भी है कह रहे हैं। हां नहीं वो तो है, वो चल एक थोड़ा सा बैरियर तो है ना, देख ताला तो तोड़ना पड़ेगा ना। पहले तो दरवाजा खुला हुआ था, अब यह है कि ताला तोड़ना पड़ेगा। हर कोई तो मेहनत नहीं करेगा ना। जो 6 लोग हैं उन्होंने तो फिर पहले भी करनी थी, वो अब भी करेंगे, लेकिन कुछ लोग शायद ना करें। मैप चेंज नहीं हुआ यार। वैलोरेंट में मैंने आज तक नहीं देखा कोई हैकर है। वैलोरेंट में कोई हैकर नहीं है, नहीं मैंने तो देखा ही नहीं। कौन सा एंटी चीट है उनका? नहीं उनका अपना है, खुद का वैनगार्ड यार। वो लोग कर सकते हैं मुफ्त वाली गेम है, इन लोगों को मौत आती है। यही तो मसला है ना दोस्त। बैटलफील्ड भी देख ले, बैटल 5 में हैकर हैं, 1 में हैकर हैं। वो तो यार एक अजीब हैकर हैं। बंदा किसी और को क्या कहे, मतलब कॉर्ड की उल्टा जहाज चला रहे होते हैं, 100 बंदा मार लिया होता है उन लोगों ने। वही ना, उल्टे जहाज चला के। यही तो मसला सारा दोस्त, सारा मसला यहाँ से शुरू होता है। बंदे के बस देयर इज ऑलरेडी प्रॉब्लम विद द वर्ड्स ऑन न्यू मैप। अभी बड़े भैया चल बैटलफील्ड खेली थी यार, बहुत ही बकवास गेम, बहुत ही अनऑप्टिमाइज। कसम से कोई मजा नहीं आया मुझे बैटलफील्ड 2042 खेलने में। हालांकि मेरे 720p में 100 प्लस FPS आ रहे थे, 900p में 70 के राउंड आ जाते थे बीच में, लेकिन शुरू में तो इतनी लैग की, इतनी स्टटर की गेम, ऊपर से मूवमेंट का मजा ही नहीं है। वो फील ही नहीं है गन्स वाली के यार, वो हैवी फील आती है। वो मतलब कि वो वारजोन की हैवी किस्म की कॉपी मार दी है। वही ना, मतलब मजा नहीं आया गेम खेलने का। कोई पता नहीं चला वो बैटलफील्ड वाली बैटलफील्ड वाली फील नहीं आई जो 1 के अंदर है, 5 के अंदर स्कोपिंग और मतलब जी भी ऐसे जो कोड खेल रहे हैं हम। वही ना, बैटलफील्ड 5 में तो बहुत है। हां एग्जैक्टली, ओनली गेमिंग बैटलफील्ड 5 में बहुत है, 1 में बहुत है, मतलब हर बैटलफील्ड में बहुत हैकर हैं यार। बस ये है कि अभी भी नहीं भी मिलते, किस्मत अच्छी होती है, लेकिन ये है कि हैकर्स तो हर जगह पे हैं। एक वैलोरेंट ऐसी गेम है जिसमें हैकर नहीं है, उसके अलावा हर गेम में हैकर है। Tala Munir, is this Mustafa speaking on the other end? No Tala, it's Bhalu speaking on the other end, Abdullah. By the way, who's Mustafa? I don't know him. इतनी मजेदार बारिश हुई है लेकिन बिल्कुल फ्लैट हो गया मौसम अब। No scene whatsoever. बारिश हुई यहाँ पे तो पता भी कुछ नहीं है बारिश का, पता भी नहीं हिला। लोअर है भाई, लोअर है। अभी कोई गेम खेलोगे? हाँ ओनली गेमिंग में बैटलफील्ड 5 लगाने का सोच रहा हूँ। ओके भाई, 40 GB का अपडेट है यार। व्हाट द फक मैन, मैंने सुना था 30 का। कोड 4 आ जाए, कोड 4 ही खेल सकते हैं। और तेरे पास बैटलफील्ड भी नहीं है, चलो कोड 4 ही खेलते हैं। ये तो PUBG मोबाइल वो पड़ी हुई है जी। मोबाइल ना भी मूड नहीं है यार वो गेम का। वीनो आ जा। Sorry, your sound lot like a friend of mine. Oh अच्छा, चलो कोई नहीं, हो सकता है लड़के, कोई बात ही नहीं है, हो जाता है। कॉड 4 इज लव भाई, हाँ नो डाउट यार। कॉड 4 जब कुछ ना हो, कॉड 4 होगी आपको बचाने के लिए। देखना बालू के पास कोई गेम नहीं है, मजबूरी में कॉड 4 ही खेल सकते हैं। हाँ जिप्पी यार, मुझे ना वो अकाउंट यार फैमिली में कर, मैंने अब कोड डाउनलोड करके रखनी है। फैमिली शेयरिंग कर देता हूँ। तो ये की तो थी, खत्म हो गया। और वो मैंने बताया ना वो फॉर्मेट किया ना, उसी के अंदर मेरा स्टीम का सारा डाटा पड़ा हुआ था उसी फोल्डर में। मैं कर देता हूं बाद में, जाते हुए कर देंगे। टीम को रखना, टीम गूगल। यस मैं डाउनलोड करता हूं। अच्छा 18 जो है मेरी डीवी क्यू में पड़ी हुई है। भाई इतना टाइम है तेरे पास सारी गेमें खेलने का? कोई टाइम मेरे पास है ही नहीं, बस ऐसे ही डाउनलोड करके रख दी। और तूने नई हार्ड ड्राइव ली है, उसको यूज़ तो करें। और अब भैंस की तुम अभी सारी मेड हो रहा है। आज कोई भी नहीं आया यार, संडे था। नौकसी आया है, साकिब भी चला गया है। साकिब को मैसेज करेगा, मेरे पास फ़ोन नहीं है। मेरा पास हाँ है तो सही, पर तुम साकिब नहीं आएगा? उसे आ जाएगा वो, टीएस से दूसरी टीएस बैठा हुआ है। कोड 4 खेलने तो नहीं आएगा? आ जाएगा वो, कोड 4 खेलता है आजकल। हां कोड 4 इज प्रीटी मच डेड नाउ आई गेस। नहीं चला यार, कोड 4 इज स्टिल अलाइव। भाई तुम देखो कितने बंदे खेल रहे हैं, और देयर इज अ लॉट ऑफ सर्वर दैट आर, मतलब फुल तो नहीं है लेकिन काफी ज्यादा भरे हैं। पॉट 4 कभी डेड नहीं। 3 बंदे आने हैं, सारों ने फोके करने लग जाना। वार 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 वही मैं कह रहा हूं ना भाई, कोड 4 डेड हो ही नहीं सकती। ये आने वाली जनरेशन पे पास ऑन हो रही है। आपके बच्चे भी कोड 4 यार, इसके डेफिनेटिव सही वाला एडिशन जो मतलब थोड़े से ग्राफिक अच्छे करके ना, इसी गेम का रीमास्टर की थी ना, किसने खेली? और यार वो तो रीमास्टर ने करे ना, मतलब गेम ही उन्होंने सारी चेंज कर दी थी। चेंज तो नहीं की थी बट रीमास्टर तो की थी यार। क्या हो गया एम को? कसम खुदा की एम नहीं लग रहा है यार, भैंस की तुम। यार वो गन का गेम प्ले वगैरह, गन का आवाज़ वगैरह कसम। बैटलफील्ड की बहुत आदत हो गई है, मतलब मैं बैटलफील्ड 5 बहुत खेलना शुरू हो गया। एक वारज़ोन ये गेम बड़ी मजे की है, मतलब उसमें भागते भागते बंदा बोर नहीं होता। बैटलफील्ड में भागते भागते बंदा बोर हो जाता है। वो मैप बहुत बड़े हैं ना, और फोर के मैप भी छोटे हैं। एक और वारज़ोन यार, ये गाना बड़े मजे का। कौन सा? शाम हो जाए। वो आगे गेम में किधर है? मैं नहीं आ रहा हूँ। हमारे नाम की सूरज शाम हो जाए, क्या बात है। वाह हेलो भाई। अबे यार क्या चल रहा है यार, भैंस की तुमको खेलने नहीं दे रहा यार। ऊपर से ये पता ही कौन से थके डेवलपर्स हैं, क्रैकर, इन्होंने गेम का सत्यानाश कर दिया कोर्स पर। हाँ यार बस ये प्रो मोड वैसे अच्छा है, ठीक है, आदी हो गए हम लोग भी, लेकिन हम लोग हार्डकोर खेलने के बड़े आदी थे। आई एम क्वाइट एन ओल्ड कॉड 4 प्लेयर माइसेल्फ, प्लेड इट फॉर 8 ईयर, रिसेंटली शिफ्टेड टू वैलोरेंट। ओके दैट्स नाइस। ऐसा ही है यार, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पुराने बाबे हैं कॉड 4 के, जो कि कॉड 4 को 2007 से ही खेल रहे हैं, अभी तक खेल रहे हैं लिटरली। दोस गाइस आर स्टिल प्लेइंग दिस गेम। तो ऐसा ही है, मुझे खुद यार कोई 7-8 साल तो बालू हमें भी हो गए ना कॉड 4 खेलते हुए। हाँ 8-1 साल तो हमें भी हो गए खेलते हुए। रीना था तब से खेल रहे हैं। रीना कब था? 2011-12 की बात है। हाँ वही ना, कितने हो गए, मतलब तकरीबन 9-10 साल हो गए हमें भी खेलते हुए। 13 में वैसे ही वो बंद हो गया था जब घोस्ट आई थी। हाँ तब हमने घोस्ट खरीद ली थी ईद सेल पे। घोस्ट वालेकुम सलाम। बड़े लोग हो वैंस के तुम लोग, ताकि कौन से टीए से बैठे होते हो भाई? क्या मतलब व्हाट इज दिस? वहां पे कौन होता है आजकल? हैं क्या चल रहा है ये यार? ये टीएस चलता नहीं है ना? क्यों नहीं चलता यार? मैं जब तो तुम्हारा नहीं चलता, अब तुम और लगाओ नया डल। मेरा शिफ्ट भी वैंस का, मेरे तो इसकी तो मेरी गेम भी हो गया है। मेरी गेम अजीब सी हो गई यार, अजीब सा फील हो रहा है गेम खेलते हुए कॉड 4। CS:GO खेल रहा हूँ मैं पिछले 2-3 दिन से लगातार। ने कहा है खेलो, हमने कहा है तो नहीं, हमने कहा है। कौन से सर्वर में आना था? शो बुखार मज़ा आ रहा है असल में। रैंक फुल, मेरा सिल्वर एलीट हो गया ना, मैं अब GN1 करने के चक्करों में। सिल्वर एलीट हो तुम? सिल्वर क्या करने, एलीट किस्म के सिल्वर है ना। यार साकिब यार क्या यार भालू के बना बैटलफील्ड है, कोई गेम ही नहीं है साकिब तेरा। जब है कोड 4 है अब वो डाउनलोड हो गई है। वॉरज़ोन तेरी तो नहीं खेली है? सीजन 6 खेला? खेला था। क्या क्या चेंजेस आई हैं? कोई काम की ना वो वैसे ऑप्टिमाइजेशन अब बेहतर हो गई। अच्छा कैसे है? अच्छा वाह नाइस यार। और एंटी चीट का क्या अपडेट है? नो एंटी चीट, स्टिल नो एंटी चीट। ओ एक बंदा बी पे जब वो मैप डाले ना उसके साथ ही एंटी चीट। हां एंटी चीट तो वैनगार्ड के साथ ही आएगा वैसे, अभी तो आएगा भी नहीं वैसे। मैं भी वही सोच रहा था वैनगार्ड कब है यार? 31 32 कह रहा हूं यार। अक्टूबर को नहीं थी वैसे? नहीं 21 22 को कह रहे थे। 23 क्या रिलीज डेट? देखना क्या है उसकी 11 तुम पता नहीं कौन सी जब आएगी देख लेंगे। आज क्या है वैसे? 11 ही है ना आज? हां 11 आज क्या है? आज 11 का मतलब कोई अपडेट आया है वॉरज़ोन में? चलो अच्छा यार ऑप्टिमाइज गेम होगी, खेलने का मजा आएगा। 5 नवंबर है। वो भैं बहुत दूर है वो तो। हां महीना पड़ा हुआ है मतलब। 5 नवंबर 6 का कोई क्रैक नहीं आया? फजूल गेम है यार फार क्रैक कौन खेलता। स्टोरी यार स्टोरी का देखते हैं। तुमने कॉड की स्टोरियां खेलनी है सारी? हां मैंने तो खेली थी सारी की सारी, ऑल सारी की सारी मजेदार। और मैंने वैसे हालांकि इंफिनिट वॉरफेयर नहीं खेली, एडवांस वॉरफेयर की स्टोरी भी नहीं खेली। होस्ट की एडवांस वॉरफेयर की भी अच्छी है। ब्लैक ऑप्स 3 की भी नहीं खेली। ब्लैक ऑप्स की तो अच्छी है। बकवास स्क्रीन ब्लैक ऑप्स 3 की है, वो टाइम ही जाया करना। नहीं मैंने थोड़ी शुरू की थी। ना वो बकवास है ना, लिटरली बकवास। वो टोटली मुझे वो फ्यूचरिस्टिक वाला सीन ही पसंद नहीं आया। नहीं जी फ्यूचरिस्टिक आपके दिमाग के अंदर पता नहीं क्या क्या कर देंगे, उधर से स्टेरे कर देते हैं दिमाग को। अजीब ये बॉट है बंदा, ऐसा लगा कि बॉट है। वो अभी तक आया नहीं है। वो बंदे कितने रह गए हैं? तो एक ही बंदा है इसकी। तुम ऐसे हम लोग घूम रहे हैं सोच रहे हैं क्या करें। अच्छा अभी तेरे पास बैटलफील्ड 4 है? हाँ 4 है। तो उसके साथ ब्रोस्टी के साथ लैब करे है, वो खेलता है। अच्छा हाँ वो खेलते ही भी है फिर। चलो खेलेंगे बैटलफील्ड 4 खेलने। कभी तेरे पास पड़ी है साकिब? यार कोई तो गेम खेलो तुम लोग। गेम नहीं खेलते? मेरे पास यार बता रहा हूँ मेरे पास पैसे थे सिर्फ 3 सेंट से रह गए। नहीं 4.79 की वो बैटलफील्ड 4 हुई यार। वो तो मैं वैसे सेंड नहीं कर सकता था, नहीं तो मैं तो ये खुद ही ले देता। वो फिर $5 से कम इसमें ऐड भी नहीं कर सकते ना। वही ना वो बैड थी ना। रशियन वर्जन होता तो शायद मैं खरीद सकता अभी तक। तो बैटलफील्ड 5 तो मेरे पास पड़ी हुई है, 1 भी है। वैसे पाकिस्तानी रुपीस में बाय कर लेते हैं, वो काफ़ी सस्ती है। पाकिस्तानी रुपीस 800 रुपये की दे रहा था लड़का। हाँ नहीं 800 की वो तो दूसरी उससे। ओ जेबी भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम इरफास कैसे हो ब्रो? वेलकम टू स्ट्रीम। बड़ी ज़रूरी बात है, थोड़ी लंबी है पर सुनना। हाँ शोर ब्रो व्हाई नॉट, कमेंट कर दो। हम यहाँ बैठे हुए पढ़ने के लिए ब्रो। कौन से वाले सर्वर में है? मैं HD1 पाकिस्तान होस्टिंग। और कोई गेम ही नहीं है बालों के पास? और कोई है साकिब? तेरा मूड तो बता, बालू से पूछ रहे। बालू के पास कोई गेम हो तो बंदा खेलेगा। ओ पैंस मार गया बालू के भाई। एक गेम है PUBG मोबाइल बेटा। मैं सारे ताकि 18 गेमें मैंने क्यू में रखी हुई हैं और 19 भी डाउनलोड हो रही है। मैंने भी वॉरज़ोन अपडेट पे लगाई है 40 GB। खैर सुबह तक हो जाएगी, तकरीबन 10 दिन लगेंगे डाउनलोड होने सारी। अच्छा साकिब बालू एक क्वेश्चन है, ये सुनना ज़रा। मैं लैपटॉप ले रहा हूँ Core i5 4 जनरेशन 2.7 GHz, 8 GB रैम है, 500 GB स्टोरेज है, इंटेल का 2 GB ग्राफिक के साथ है। वो इंटेल का 2 GB नहीं होता, बस इंटेल ग्राफिक, समझ गए हम लोग। हाँ, वो बाय कर रहा हूँ। गेम चलेगा कैसा है? अच्छा हाँ, गेम चलाएगा कैसे? i5 4 जनरेशन Quad 4 तो तुम्हारी चला लेगा, थोड़ी सेटिंग करनी पड़ेगी ग्राफिक्स की। PUBG मोबाइल भी चला लेगा। PUBG मोबाइल का नहीं पता, वो भालू बता रहा है। Black Ops 2 तक ये चला लेगा। Black Ops 2 मैंने चलाई, हाँ ये मैंने चलाई। Black Ops 2 तक शायद चला ले, लेकिन ये है कि वही बात है, बहुत ग्राफिक्स कम करने पड़ेंगे। हां लेकिन चला लेगा। 30,000 से ज्यादा का लेना भी ना, इतने का ही है। हाँ 30,000 लेंगे। और लैपटॉप, अगर लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है और लाजमी नहीं है, लैपटॉप रिक्वायर्ड नहीं है, तो मेरे ख्याल में आप 30,000 के अंदर कोई पीसी बना लो, ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। क्योंकि लैपटॉप जो भी है, मोबाइल प्रोसेसर जो है वो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं होते और इतने ज़्यादा गेमिंग के अंदर परफॉर्मेंस भी नहीं होती उनकी। तो एटलीस्ट आप डेस्कटॉप CPU ले लो, i5 4 जनरेशन सस्ता भी मिल जाएगा। लैपटॉप ज़ाहिर बात है आपको थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, बैटरी एंड ऑल दैट सब अंदर। ग्राफिक कार्ड लग जाता है? लग नहीं वो तो इंटीग्रेटेड ही होता है। अगर इंटीग्रेटेड ही होता है ना, लगता नहीं है अलग से सेपरेट। या तो वो थंडरबोल्ट वाला सीन है, बट वो वही बात है, लंबा सीन है भी। तो यार मेरे तो यार पार्क होस्टिंग वगैरह कोई आ ही नहीं रहा। HD1 में तो ये आईपी बताता हूं, एक मिनट कनेक्ट आगे आईपी बताना। 192 नहीं है, 15.185 15.185.82 200 रेशो डबल वन। यार लैपटॉप पे ग्राफिक कार्ड लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है और सही लगता भी नहीं है, और वो खप वाला सीन है और उस पर बहुत ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस भी होते हैं। तो आई वुड सजेस्ट के एक्सपीरियंस है। हाँ भाई मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा बुरा एक्सपीरियंस है, फजूल की पक्की है लैपटॉप पे। तो आप कोशिश भी ना करो लैपटॉप, इसी जितने का तुम्हें लैपटॉप मेरा, इसमें तुम्हें एक अच्छा PC मिल जाएगा। तुम पाकिस्तान पे कार्ड नहीं ना मिलेगा यार, कार्ड तो भी यार कार्ड की भी हालत भी नहीं है ना, कार्ड चाहिए भी नहीं उसको। वो लैपटॉप में कौन सा कार्ड लगागा, वो भी इंटेल HD है। एटलीस्ट जो CPU जो डेस्कटॉप का CPU होगा उसका इंटेल HD भी बेहतर ही होगा परफॉर्मेंस वाइज। वो ठंडी हवा चलने लग गई है, पूरी ठंडी हवा मुंह पे पड़ी है। कहाँ से? बाहर से कहीं से आई है। अच्छा तो मेरा तो मशवरा है बहुत दोस्त के, चुप करके पीसी बनवाओ, i5 4 जनरेशन इजीली बन जाएगा। मेरे पास, मेरा छोटे भाई के पास i5 पता नहीं 3rd या 4th ही है, तो वो मैंने लिया था 22,000 रुपये का CPU। 40,000 कह रहे, 40,000 22 का लिया था शायद। तो i5 3rd या 4th जनरेशन है, उस पर एडिटिंग भी छोटा भाई सीख रहा था, उसने वो भी किया। Quad 4 भी चलाता है वो, और वैलेंट वगैरह भी चलाता है। और उसके अंदर 1 GB का कार्ड भी एक्स्ट्रा है, लेकिन वो 1 GB का कार्ड इतना पावरफुल नहीं है। वो 1 GB का नॉर्मल से एनवीडिया एनवीएस कार्ड है, तो NVS 315 है आई थिंक। तो तुमने अगर देखना है तो तुम बेशक उस तरह का कोई लैपटॉप देख लो, i5 3rd या 4th जनरेशन। कार्ड बेशक ना हो, बल्कि कार्ड ना ही हो तो बेहतर है, क्योंकि वो कार्ड का फायदा नहीं होगा जो भी होगा। तो मैं परसों लैपटॉप एक लेके दिया ना, वो 48 था, उसमें 16 GB थी, रैम थी GTD, और i5 6 जनरेशन था। अच्छा नाइस यार, प्राइस तो अच्छी मिल गया। और हार्ड उसकी 500 ही थी, SSD ज़्यादा लगवाई है, वो इतनी होती है लैपटॉप में। लैपटॉप की हार्ड भी डिफरेंट होती है। Quad 4 है ये। हाँ यार तो फी के लिए कैमरा अलहदा लगवाया था उसने ना, उसमें उन्होंने 2000 रुपये अलहदा ले लिए थे। भाई यार लैपटॉप के बहुत रोल हैं, सीधी सी बात है। अगर आपको ज़रूरत नहीं है, काम के सिलसिले में लेना है तो तब ठीक है, अदरवाइज भाई बहुत इवन गेमिंग लैपटॉप आर नॉट वर्थ इट। वो देख रहे हैं बालू यार, 1660 Ti ही आला था, कोई हल्का लैपटॉप था, Ryzen 7 था, बट वो मज़ा ही नहीं था उसके अंदर यार। माई रेंज इज़ 40 की, स्क्रीन पड़ी है बेस्ट है। सिंपल पीसी बनाओ, तुम्हें साथ बंदा जो है ना वो कीबोर्ड माउस भी दे देगा, क्योंकि मैंने जैसे लिया था ना 22,000 का, उसने मुझे कीबोर्ड माउस भी साथ दिया था। नहीं तो मेरे उठा के ले जाओ, मैं पूछूंगा भाई से, अगर उसने सेल करना हो छोटे भाई से तो वो ले जा आगे। यार भाई को क्या कोई अच्छी सी तस्वीर एडिट करवा दे। और यार बहुत सीख रहा था, आती नहीं है उसको, सीख रहा था, उसको आती नहीं है। 40K का CPU बनाऊँ कैसा रहेगा? CPU बनाऊँ मतलब वो डेस्कटॉप भी बनेगा ना, CPU ही बनेगा उसके लिए, कंपनी पूरी बनानी पड़ेगी। कैसा CPU नहीं बनाना तुमने, डेस्कटॉप बनाना है, उसके अंदर सीपीयू लगा होगा पूरा, मदरबोर्ड सीपीयू सब कुछ। i5 4 जनरेशन साकिब 40 में तो बल्कि अच्छा खासा बन जाएगा, इवन राइजन भी आ जाएगा ना, है ना साकिब? राइजन 1600 क्या करना है, 9400 ले ले, 10400F ले ले। ओ भाई इसका 40000 का टोटल बजट है। हाँ तो 10400F आ ही जाएगा भाई, सिर्फ सीपीयू नहीं लेना, मैं कह रहा हूँ उसने मदरबोर्ड भी लेना है और मैं रैम सारा सिस्टम ना, सारा सिस्टम बनाना है। हाँ तो 40 में आ जाएगा, क्या हो गया। अच्छा अच्छा, मुझे वैसे करंट प्राइसेस नहीं पता वैसे प्रोसेसर्स की, लेकिन हाँ डेफिनेटली 10 जनरेशन भी सस्ता हो गया होगा। i3 ले ले 10 जनरेशन। मैं तुझे बता देता हूं करंट प्राइस, ये जो DDR4 की 8GB की जो रैम है ना, आपको 55 से कम की नहीं मिलेगी कहीं से। मतलब 11000 तो चुप करके ये कल 11000 की रैम होगी आपकी DDR4, ठीक है 11000 की रैम होगी DDR4। नाइस यार, पापा ने शॉट कराई है मजेदार। 11000 की बालू देखना, 11000 की रैम होगी और आपका सीपीयू आएगा अगर आप लेते हो राइजन, अब तो राइजन वाली 26000 की चिप, 19000 की चिप मिल रही है, सॉरी 19000 की चिप मिल रही है 2600 की, और विद कूलर मिल रहा है मेरे ख्याल में 22 i5 का कोई 6 जनरेशन। नहीं देख लो यार, राइजन में आ सकता है यार, लड़के आराम से आया था। राइजन 5 की चिप यार 19000 की मिल रही थी, बहुत पहले की बात है ना, तो फिर प्रोसेसर थोड़ा सा यार वो जो है एपीयू ले लो ना यार, वो जो जी वाले राइजन के प्रोसेसर हैं। या ग्राफिक कार्ड भी लेना है 40 वाला। ग्राफिक कार्ड तो बहुत महंगा होगा ना, ग्राफिक कार्ड तो इसमें नहीं आएगा, बस ये है कि वो कह रहा है कि गेमें चल जाए छोटी मोटी और एडिटिंग शेडिटिंग हो जाए। तो उसके लिए ग्राफिक कार्ड चाहिए ना, उसके 750 तो यार चाहिए। फोटोशॉप चल जाता है सीपीयू पे भी यार, सीपीयू रेंडरिंग हां सीपीयू रेंडरिंग भी तो फोटोशॉप वैसे ही सीपीयू रेंडरिंग। हां इवन फोटोशॉप क्या, वीडियो एडिटिंग में जो सोनी वेगास यूज करता हूं वो भी सीपीयू यूज करता है। सही सही, पर वो जीपीयू भी करता ही होगा तेरा? नहीं वो जीपीयू सिर्फ उसके लिए प्रीव्यू के लिए यूज करता हूं। प्रीव्यू मैं वैसे तो ऑटोमेटिकली बेस्ट पे चल रही होती है प्रीव्यू मेरी, लेकिन अगर आपके पास अच्छा नहीं है जीपीयू या इंटीग्रेटेड है तो वो ऑटोमेटिकली उसको लो पे कर देता है। प्रीव्यू पे आपको अच्छी क्वालिटी तो नहीं चाहिए ना, आपको तो रेंडरिंग के बाद अच्छी क्वालिटी चाहिए। जारी बात है। हाँ तो फीक कह रहे ना ब्रो, क्या मतलब तो फीक किस बात पे, जे भी मैं आ जाऊँ पिंडी फिर पैसे ले आऊँगा किसी शॉप से, ले नहीं ले के तू दे दी यार, ले के बात तेरी ठीक है, ले तो मैं दूंगा तुझे, लेकिन यार टाइम निकालना बड़ा औखा काम है मेरे पास, आजकल टाइम की बड़ी शॉर्टेज है। लेकिन चल अगर कोई सीन हुआ और तेरा वाकई प्लान बन रहा है, यू सीरियस अबाउट इट, तो मैं कर दूंगा। हां हमें घेरा करा देता है ये, ओ भाई शादी वाले दिन बंदा घेरा ही कराएगा ना। अब भाई शादी वाले दिन मैं फंसा हूं, मैं क्या करूं। वैसे उस दिन मुझे बड़ा हुआ यार कि तुम लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन चलो शुक्र है मैं ये इस तसल्ली थे कि मैं मिल के गया था सबसे। नहीं कोई मसला नहीं है, दूसरी शादी पे हम इंतजार नहीं करेंगे। ले ये तू बातें कर, दूसरी शादी की तुझे बताता हूँ मैं, तुझे भाभी बताती नहीं यार। वैसे इस माहौल से अकेला नहीं जा रहा, मुझे दे दे भाई, मैं तो 502 मेरा फेवरेट माहौल है। कितने का लिया वैसे भालू तूने? 502 नहीं है, मजाक कर रहा था, 402 है। कितने का लिया 402? 4000 का यार। हाँ मैं तो सोच रहा था 502 9900 का था। हाँ 502 महंगा है, लेकिन मुझे यूज़ में मिल रहा था 502 हीरो, ताकि 502 हीरो मुझे मिल रहा था 8000 से ज़्यादा, 8 का मिल रहा था, 2 हफ्ते यूज़ हुआ हुआ था, ले लेता 2 हफ्ते यूज़ यार मुझे यार, लेकिन वो 8000 लगाने का दिल नहीं कर रहा, मैंने कहा पता नहीं कितनी गेम करनी है, मैं रेड ड्रैगन ही सही है। नहीं वो यार मेरा माउस सही था, मेरा हाथ उस पे सेट हुआ था, लेकिन इतना मैं बता दूं इसका रिस्पांस टाइम उससे बहुत ज़्यादा है यार। जाहिर बात है भाई 402 फास्टेस्ट गेमिंग सेंसर है इसके अंदर। हाँ और फास्ट श्योर यार, तुम प्लान बना लो देख लो आके, लेकिन मेरा मशवरा अपनी लोकल मार्केट से लो, अगर कभी कोई इशू भी आ जाए तो आप जाके क्लेम कर सको, कुछ कह सको यार ये मसला। हाँ वही ना, अगर वो देते हैं आपको, हाँ हफ्ते अगर वो तुम्हें हफ्ते 2 हफ्ते की चेक वारंटी देते हैं, बिल्कुल देते हैं हमेशा, बल्कि महीने तक भी देते हैं चेक वारंटी। जलने की वैसे भी कोई वारंटी नहीं होती, लेकिन आपको देते हैं, उसके अलावा कंपोनेंट खराब नहीं होती, चलते चलते खुद ब खुद बंद हो जाए चीज़, उसकी रहेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमेशा बेटर ऑप्शन यही होता है कि आप ना अपनी एरिया से लो या जहाँ के हो, तो बेनिफिट होगा तुम्हें। बाकी तुम्हारी मर्जी है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं इनमें कोई आपको नहीं, और इसमें ऊपर नीचे हो ही जाता है, कोई मतलब बंदा गारंटी भी दे सकता। यार ये ऐड आया है। अच्छा मेरा डाउनलोडिंग चल रही है इस वजह से। ये ऐड कहाँ पे रहा है ये तो बता। नहीं गेम ना बार बार लैग हो रही थी, लैग हो रहा है ना। हाय हाय ना उसको मारा। बताओ भाई किस सर्वर पे खेल रहे हो? HD1 पाकिस्तान। यार साकिब बना ले तू, अपना ही बना ले। वारजोन वार करते हैं। वॉर नहीं, वॉर क्या करनी है इस टाइम यार, वैसे ही पब मारते हैं कि। हां जो साकिब आई एम वांट टू बाय रेजर वाइपर मिनी, एनी कमेंट अबाउट द माउस फॉर पीसी गेमिंग। इतने पेड़े हाल हुए हैं ये यार। वाइपर मिनी मैंने खुद तो यूज नहीं किया हुआ, इसलिए मुझे अंदाजा नहीं है कि उसके रिव्यूज कौन सा है। HD1 पाकिस्तान होस्टिंग। वाइपर मिनी में पर्सनली कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैंने उसके रिव्यूज़ सुने और देखे हैं एंड इट्स अ रियली गुड माउस। पर्सनली मतलब पर्सनली सॉरी लोगों के रिव्यूज़ से। कौन सा माउस है? रेजर का ना। हां अच्छा माउस है, अच्छा माउस है। और मेरे ख्याल थोड़ा महंगा भी है आई थिंक, लेकिन मेरे ख्याल में मेरे पर्सनल यूज़ के हिसाब से भाई बेस्ट माउस जो है ना G502 है। पता नहीं क्यों मुझे उस हमेशा, मैंने इतने माउस देखे, महंगे महंगे माउस भी देखे, लेकिन एंड पे दिल उस पे आता है मेरा। ये इसके फिंगर रेस्ट नहीं है इसका, राइट वाला ना लेफ्ट पे है। हां और दूसरा वो थोड़ा हैवी माउस है ना, और उसकी इकोनॉमिक्स मेरे हाथ पे बहुत अच्छी बैठती है। 402 भी उतना नहीं है वो। 502 तो हैवी है ना, उसके अंदर तो बकायदा वेट्स है ना अलग से। इसके अंदर वेट नहीं है। हां 402 में नहीं है, पर 402 वैसे माउस अच्छा है। सैफ रहमान मेजर भाभी को भी टाइम दे दो। हां यार सैफ रहमान भाभी को पूरा पूरा टाइम देते हैं यार, कैसी बातें कर रहे हो यार। तभी तो मैं गायब होता हूं, आजकल टाइम नहीं होता मेरे पास। आज मैं क्यों खेल रहा हूँ, क्योंकि आज बुढ़ी थले लगा है। बुढ़ी ये करियर है, ये करियर राजा जी। हेड जिलानी बोला रेजर के साथ दो, रेजर के साथ मत जाओ उसमें क्या, रेजर के साथ मैथ जाओ उसमें कोई सीन है। तौफीक अली अच्छा तला को कह रहा है तौफीक, ठीक ठीक। पता नहीं पीसी में कोई बग आते हैं। आई हैव हर्ड 502 गेट डैमेज इजीली मींस इंटरनल चिप इट कॉज इशू। नहीं यार 502 में एक इशू है जो कि मुझे भी फेस हुआ था, और मैंने अपना 502 2500 का दिया था, 2500 के 2000 का, और वो मैंने इसलिए इतना सस्ता भेजा था क्योंकि उसमें ना डबल क्लिकिंग का इशू आ गया था राइट क्लिक के अंदर, और ये डबल क्लिकिंग का इशू नॉन फॉल्ट है यार। इनों को पे लगी थी शॉट, इसको डबल क्लिकिंग का नॉन फॉल्ट है 502 के अंदर, जो कि हीरो के अंदर नहीं है, जो नया वर्जन है 502 का, और जो ओल्ड बेसिक ओरिजिनल वर्जन है 502 सिंपल RGB वाला। मेरे पास सिंपल RGB एक तो बिल्कुल सिंपल है ना, एक RGB वाला सिंपल है तो RGB वाला सिंपल था, तो उसमें ये डबल क्लिकिंग का इशू आ गया था। ऊपर से मैं उस टाइम मेरी शादी हो रही थी, मैं सब कुछ वैसे ही बेच रहा था, मैंने वो भी 2500 का या 2000 का दे दिया। बट 502 इज़ अ रियली गुड माउस, और वो मैंने कम से कम 4 साल यूज़ किया होगा, 3 से 4 साल, 3 साल तो किया होगा। तूने 2060 बेच के गलती की थी ना यार, वो बहुत बड़ी गलती हुई थी। मुझे उस टाइम का अंदाज़ा नहीं था कि वो इतना क्रूशल टाइम चल रहा है कि कार्ड इतने महंगे हो रहे हैं, और लोगों को पता था उस टाइम भी। मैं कहूँ यार लोग इतने महंगे महंगे कार्ड में लगा के बैठे हुए OLX पे, मुझे खुद नहीं, मुझे उस वक्त ज़हन में नहीं आया कि भाई ये हालात चल रहे हैं। नहीं तो मैं अपना भी महंगा ना अपना भी बेचता ही ना, बल्कि मेरे भी वो 720 वो तेरा 5600 XT। नहीं 5600 XT भी सस्ता बेचा था, 2070 भी मैंने सस्ता बेचा। हां रेबर 2070 भी था बीच में। एग्जैक्टली पीसी स्पेक्स बताओ मेजर भाई। 40 गेम है यार, 40 गेम में आपको मिल जाएगा Ryzen 5 2600, देख लो अगर मिलता है तो प्राइस में, होपफुली मिल भी जाए शायद। 8GB रैम होगी आपकी, अगर 16 करनी है तो वो आपका 11000 लगेंगे। 8GB इज एनफ स्टार्टिंग में, क्योंकि आपने कौन था वो अभी बहुत हैवी गेमें खेलनी है, उस पर आई गेमें चलनी भी नहीं है। तो 8GB रैम होगी 5500 की, 19000 का प्रोसेसर हो गया, कितने हो गया 26000, 26 नहीं सॉरी ये हो गए 24000। आपका मदरबोर्ड आ जाएगा 0 मीटर डब्बा पैक भी लो तो 14000 का मदरबोर्ड आएगा, लेकिन आपको 12000 तक एक अच्छा डिसेंट फुल ATX मदरबोर्ड मिल जाएगा। तो 24 + 10 34, अब इस 34000 में आपने और क्या लेना है, हार्ड ड्राइव लेनी है और PSU लेना है। PSU आपको मदरबोर्ड और उसके साथ मिल जाएगा, मतलब सेपरेट। हाँ वो अगर आप सेपरेट ना लो ना CPU, अगर आप मार्केट में जाओ उनको कोई यार मुझे ये प्रोसेसर चाहिए मतलब, तो आपको कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा 40 के राउंड। थैंक्स अलॉट फॉर गिविंग सच ऑनेस्ट रिव्यू। नो प्रॉब्लम दोस्त यार, ये तो हमारा फ़र्ज़ है यार, किसी को अच्छा रिव्यू जो सच्चा बात है वो तो बतानी चाहिए ना। 502 के अंदर नॉन फॉल्ट है डबल क्लिकिंग का, बहुत से लोगों से सुना मैंने और मैंने खुद भी फेस किया। डबल क्लिक से कैसे? डबल क्लिक मतलब आप एक क्लिक करते हो डबल क्लिक हो जाता है। राइट क्लिक, मेरा तो राइट क्लिक हुआ था। राइट मैं एम डाउन साइड करता था ना, वो करके वापस आ जाता था। सही सही सही। अच्छा दूसरा मेरा ये है कि मुझे ना वो रेड ड्रैगन है ना, उसके अंदर वेट लगा हुआ है, वो इससे हैवी है। और वो अपनी पर्सनल होती है ना, प्रेफरेंस होती है। कई लोगों को हैवी माउथ, मुझे हैवी पसंद है क्योंकि मैंने हाथ ज़्यादा मूव नहीं करना होता। कुछ लोग होते हैं पूरे माउस पैड पे हाथ हिलाते हैं, तूने देखा होगा जैसे श्राउड वगैरह खेलते हैं। साकिब भी ज़्यादा हिलाता है वो उनकी, हाँ वही ना, वो कई लोगों को। लेकिन पता है जो ज़्यादा हाथ हिलाते हैं उनका एम ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि उनकी पॉइंटिंग प्रिसीजन ज़्यादा होती है हमसे। वो साकिब, हाँ साकिब जैसे खेलता है, उसके अंदर या नाम है मॉडर्न वारफेयर, उसकी सेंसी बहुत आई है। साकिब भी देखे कह रहा होता है यार ये तो हैक कर रहे हैं। बस वही सीन है ना, वो सेंसी हाई नहीं, सेंसी कम होती है। जो लोग हाथ ज़्यादा आते हैं उनकी सेंसी कम होती है यार। मेरी तो सेंसी क्योंकि उनको ना मतलब मैं ज़्यादा हाथ लाता हूँ। मेरी सेंसी तो बिल्कुल ख़त्म हुई पड़ी है क्योंकि सेंसी कम हो तो आपको माउस ज़्यादा हिलाना पड़ेगा ना। माउस हिलाओगे तो फिर वो मूव करेगा आपका पॉइंटर। यार तुम तो बढ़िया कलबंदी वाली बातें करते हो। नहीं मतलब कहने का मकसद दूसरी तरीके से माउस हिलाने की बात कर रहा हूँ। 1 2 3 साकिब डू समथिंग ब्रदर। पता नहीं क्या कैंसर हो रहा है, लैग हो रहा है ना सर्वर है ना। मेरा तो नहीं हो रहा, तुम्हारा कितना हो रहा है आप बेटा? अच्छा ये यार उधर ही है जहाँ पे इसका एडवर्टाइज है। ओह शिट मैन, मेजर आजकल शरीफ हुआ हुआ है। बस यार क्या करें यार, शरीफ ही हम लोग। ये शरीफ फैमिली से बिलोंग करता है। जेबी भाई व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग? यार मैं जॉब करता हूँ। I'm a software engineer. I'm kind of a software engineer, but with the title of production analyst. Experience तो count होगा ना software engineer में। हाँ होता तो वही है। पहले software engineer था ना, पहले associate software engineer था, फिर production analyst बन गया। अब आगे अल्लाह को जो मंजूर हुआ इंशाल्लाह आगे हो जाएंगे तो कुछ और भी बनते जाएंगे। क्या बात है लड़के, तुमने तो इमोशनल कर दिया। बाकी एक बात बताऊँ, जब बंदा इंसान की शादी होती है ना, इंसान की शख्सियत में चीज़ों में ठहरा हुआ रहता है। ये बात मैंने किसी से सुनी थी और ये वाकई सच है। ये बातें कर रहे हो। ये भालू भी बता सकता है लेकिन फिलहाल नहीं बता सकता। टेक्निकली बताना चाहिए उसको लेकिन इसने एक्सपीरियंस नहीं किया अभी कुछ। यार मेरे से गेम नहीं खेली जा रही। भालू से तेरी रुखसती कब है? क्या सीन है शादी का? हाँ अब तो आवाज ही निकलेंगी तेरी। बाय बाय साकिब। उड़ते उड़ते बाय बाय। बाय बाय बालू। यार इस माउस के साथ नहीं खेला जा रहा, क्या करूँ मैं? मुझे भेज दे माउस, मुझे भेज माउस, मुझे भेज, मैं तुझे अपना माउस भेजता हूँ। नाइस, कौन सी कंपनी में? आई एम ऑल्सो क्लाउड ऐप डेवलपमेंट सिस्टम लिमिटेड। क्या बात है लड़के, तुम सिस्टम में हो भाई। सिस्टम तो आजकल बड़ी लिंक्डइन पे छाई हुई है। सिस्टम हर जहाँ लिंक्डइन खोलो सिस्टम टॉप पे जा रही है। सिस्टम ये तो सिस्टम हो। मैं यार अफिनिटी में हूँ। साकिब तुम मुड़ के आई नहीं यार। बताता हूं मतलब इसका मतलब भालू आ रहा उड़ के। भालू टैग हो तुझे को। हां वो लगे तेरे टिंडी पे मैंने खोली मारी तो भरा नहीं है। अब ये भी होता है यार। ये तो होगा किस्मत इसका। तू साके तुम मर गए। हाय हाय भाई आप तो लोगों की सैलरी 1 लाख प्लस है। नहीं यार नहीं, अभी नहीं है, इंशाल्लाह हो जाएगी जल्द। अल्लाह दुआ करो भाई को, अल्लाह तरक्की दे, वो दिन भी आ जाएगा। 1 लाख प्लस सैलरी होती तो भाई मैं इधर 1650 यूज़ कर रहा था। टीम की चेंज हो गई क्योंकि वो कह रहे तुम उस टीम में नूब हो। ये मैं तो चल, मैं तो सादी सी कंपनी में हूँ यार, ये भाई सिस्टम लिमिटेड में है भाई, आजकल टॉप जा रही है कंपनी। इनसे पूछो कितनी सैलरी है। वाह भालू क्या बात है, सिर्फ सैफ रहमान 60K। साजिद तुझे किसने बताया? हाउ डू यू नो, तुम किधर से आ गए हो? ये साजिद है ना, फिनोमिनली अपनी सैलरी बता रहा है लड़का। आजकल 1000 पति हुआ है, लखपति हुआ है, नोटों में खेल रहा है लड़का आजकल हमारा। फ्रीलांसर है, नोटों में फ्रीलांसर। हाँ जाहिर बात है फ्रीलांसर है भाई। ये साकिब कह रहा हूँ साजिद, फ्रीलांसर को आप ए से लिखते हो यू से लिखते हो? ये साजिद जो जवाब देगा वो तेरे पे। चलो ये सुन के मुझे हौसला हुआ। नहीं यार सैलरीज अच्छी होती हैं, स्पेशली जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं अच्छी सैलरीज देती हैं। इवन फ्रेश ग्रेजुएट को अच्छी सैलरी देती हैं। हम भी फ्रेश ही हैं समझ लो। नहीं नहीं भालू भाई कोई माफ़ी नहीं है। अच्छा नहीं नहीं सॉरी, नहीं नहीं भालू भाई को माफ़ी है। अच्छा मैंने कहा शायद गया है, भालू भाई को माफ़ी नहीं है। क्यों भाई भालू भाई को क्यों माफ़ी है? खैर हो यार, सैलरी से ज़्यादा जेबी। आई थिंक व्हाट मैटर इज जो एक्साइटमेंट होती है काम की, या एवरी डे वेकिंग विद न्यू चैलेंज। अग्रीड। नहीं भाई ये एक्साइटमेंट आपको सिस्टम लिमिटेड में होती होगी, हमें इन्फिनिटी में नहीं होती। इसलिए तो कह रहा हूँ भाई आप सिस्टम लिमिटेड में बैठ के मजे कर रहे हैं। भाई किधर है बंदे? साकिब तू कहाँ चला गया? क्या चले गए? अच्छा वो टीम चेंज हुई थी। तू गया टीम चेंज हुई थी। कमलों का गैस नहीं है क्या? कमलों का गुस्सा नहीं, कमलों का गुस्सा नहीं, समझ नहीं है यार साजिद मुझे क्या कह रहे थे। अवश्य यार सिस्टम में 1+ years वालों को कितनी सैलरी देते हैं वैसे? जस्ट आस्किंग, 1+ years एक्सपीरियंस वालों को। चला मुनीर हाय और व्हाट। कौन कोई क्या कौन खुशी खुशी जाता है काम पे? नहीं यार वैसे साजिद मैं सच्ची बताऊँ, मुझे I2C मेरी से पिछली कंपनी थी लाहौर वाली, तुझे पता ही होगा। वहाँ मैं ज़्यादा था, लिटरली मुझे खुशी होती थी यार, वो काम मज़े का था, उसका काम करने का बहुत मज़ा आता था ऑनेस्टली। मेरा तो अभी भी अगर I2C इस्लामाबाद आ जाए मैं तो I2C ज्वाइन कर लूँ, 1 day एग्जीगनेशन पर ज्वाइन कर लूँ। इतनी अच्छी, इतनी मुझे पसंद है वो, मतलब इतना वर्किंग एनवायरनमेंट मज़े का है। वहाँ पर न्यू चैलेंज होता था, रोज़ न्यू चीज़ें, काफ़ी कुछ देखने को मिलता, और एक वो इंडस्ट्री बहुत मजे की थी I2C में। कमला इज इक्वल टू पागल इन पंजाबी। अच्छा बालू ये पागल कह रहा है, साजिद कह रहा है कमलों को माफ़ी है। यार आई लव द वर्क आई डू, लव सॉल्विंग क्रिटिकल प्रॉब्लम्स फॉर क्लाइंट्स एंड देन ओनिंग द वर्क यू डिड। हाँ ये बात तो है, नहीं ऐसा कोई काम आए और जब आपको ऑन करना पड़े और आपने वो काम निकाल के दिया हो तो फिर तो वाकई बहुत मज़ा आता है। पर यार ये तो नहीं ना कि उसको ड्राइव में सॉल्व करनी आ रही है, क्रिटिकल प्रॉब्लम है। हाँ मतलब वो कहने का मकसद है कि वो हाँ एग्जैक्टली वो काम पे डिपेंड करता है ना, काम किस तरह का उसका। रोज़ न्यू ड्राइव फुल हो जाए तुम्हें कि तुम्हें डाटा डिलीट करना, तो ये कोई एक्साइटिंग काम तो ना हुआ ना। यार आज नई ड्राइव थी उस पर डाटा फुल हो गया क्योंकि लिटरली फिरनी में ऐसा काम भी है दोस्त। वो कहते हैं जी सी ड्राइव फुल हो गई है, बताओ क्या डिलीट करना है। हैम्पर? हैम्पर कौन भाई? 1, 2, 3 अबे यार शिट ना कर चला वाकई में। लड़के सीवी दे रहा हूँ तुझे, मेरी सीवी फॉरवर्ड तो कर। क्या हुआ भाई? लड़का कह रहा सिस्टम में बड़ी सैलरी है, अगर काम मजे का फिर तो अच्छी बात है। बट आई थिंक सिस्टम जो है ना वो सॉफ्टवेयर साइड पे मेरे ख्याल में क्लाइंट सर्विसेज साइड पे है, उनका अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है। आई गेस सिस्टम का अपना कोई प्रोडक्ट है जिसको वो ऑन कर रहा है या जिसको वो चला रहा है। मेरे ख्याल में सिस्टम अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज देता है। सिस्टम में बेस्ट थिंग ये है कि ऑल परफॉर्मेंस बेस्ड है, फ्यू एफर्ट कंपनी रिटली बेनिफिट यू बियॉन्ड यू कैन इमेजिन। यार ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मैंने सुना था यार सिस्टम ने कोविड के अंदर बहुत से बंदे ले ऑफ किए हैं, दैट्स वाई मेरे माइंड में ना सिस्टम की रेपुटेशन थोड़ी अच्छी नहीं बनी थी, क्योंकि I2C ने तो भाई कोविड के अंदर बहुत हैवी अच्छे सीन किए हैं एम्प्लॉयज़ के साथ। अबे यार यार मैं तो अभी लिंक्डइन खोलने लगा हूँ सिस्टम का। नहीं ये बात तो वैसे तला ये तो हर जगह पे ही है। I2C में भी परफॉर्मेंस बेस्ड था, परफॉर्मेंस पे आपको सारी बातें चीज़ें मतलब अच्छा सीन था। I2C इज़ ऑल्सो रियली गुड। I2C में रुक नहीं सकता था, अदरवाइज मैं डेफिनेटली रुकता वहाँ पे, क्योंकि मुझे वापस इस्लामाबाद आना था। बट अफिनिटी में भी परफॉर्मेंस बेस्ड है, आपके KPI चल रहे होते हैं, आपकी परफॉर्मेंस मोनिटर हो रही है, आपके रोज़ के जो आपके टास्क जो आप करते हो उनको चेक किया जा रहा होता है कि यार आर दी अप टू द मार्क, आपकी मार्किंग होती है बाकायदा। तो ये सीन तो है मल्टीनेशनल का, यही तो फ़ायदा है सर्विस बेस्ड कंपनी। ओके परफेक्ट, तभी मैं इनका IT ऑपरेशन का डिपार्टमेंट भी होगा प्रॉब्ली, जारी बात है काफ़ी बड़ी कंपनी है, IT ऑपरेशन का डिपार्टमेंट तो होगा ना, क्योंकि माय फील्ड इज़ IT ऑपरेशन फ़िलहाल तो। ओ यार कसम से जो चाका मारा था वही है। बालू यार का नहीं समझ लगी थी वो, देखा था कितने राउंड था। एनी बैंकर है, बैंकर तो नहीं है लेकिन मैंने जो पहले जिस कंपनी में काम किया है दैट वाज रिलेटेड टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल एंड पेमेंट इंडस्ट्री, सो आई नो लॉट ऑफ स्टफ रिलेटेड टू बैंकिंग और पेमेंट सिस्टम्स। आई विश यार मैं अपना रजिस्टर ले आया था I2C से, मैंने काफ़ी कुछ लिखा हुआ था। मुझे I2C कंपनी है ना, फिनटेक कंपनी है। ओके रजिस्टर लिया था मतलब तो यार उस पे सारी ट्रेनिंग्स के डाटा वगैरह मैंने लिखे हुए थे ना, उस ट्रेनिंग्स होती हैं, कोई कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो लिखे हुए थे पेमेंट इंडस्ट्री के। तो सब अब भूलते आस्ता आस्ता मुझे भूलते जा रहे हैं, तो मुझे होता है कि यार वो याद रखने चाहिए, काम आएंगे कभी ना कभी, क्योंकि वो इंडस्ट्री ऐसी बूमिंग इंडस्ट्री है कि आपको कभी भी इंटरेस्ट का मौका मिल सकता है वहाँ पर। भालू भाई की जॉब, भालू भाई जॉब कहाँ करते हैं, छोटी मोटी जॉब थोड़ी करते हैं, भालू भाई बिजनेसमैन है यार। इट्स जीलानी ओ नाइस यार, चला फिर चला, मैं सोचता हूँ फिर इंशाल्लाह विल सी यू देयर इन सिस्टम्स। अल्लाह खैर करे, बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े, बिल्ली के छिछड़ों में ख्वाब, बिल्ली के छिछड़ों में ख्वाब। यार 22 डिपार्टमेंट्स यार, वैसे क्या बात है। साजिद तूने तो यार कैशियर लग जाना है यूनिवर्सिटी से निकलते साथ ही। अबे मर जा, ये आखिरी कौन है? अच्छा साकिब को पड़ा है, साकिब इट्स वक्का। अबे यार शिट। ओ यार यस आई कैन इजीली रिकमेंड यू, आई विल गेट 50K फॉर शेयरिंग योर सीवी एंड इफ यू गेट सिलेक्टेड। अच्छा ये तला वैसे सेम केस है ये आईफिनिटी में भी, बट 50 नहीं देते, वो कम देते हैं, वैसे इसका हाफ देते हैं वो लोग। अफिनिटी वाले, अगर आप किसी को रिकमेंड करो एंड ही गॉट सिलेक्टेड, और वो सिलेक्टेड होने के बाद वो अपना प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कर ले तब। तो ये सीन है यार, गुड नाइस यार। चला फिर मुझे कांटेक्ट करो, मैं भेजता हूँ तुम्हें। यस करो बाबा जी। आकिब किधर? आकिब किधर? Where are you going? Dora the Explorer? भाई बालू भी लाइक फूड क्वालिटी कंट्रोलर डिपार्टमेंट में है, बाद में पता चल गंदी सब्जियां ऐसा करते हैं मंडी से। ये बात तो है यार, बिजनेस है अपना, फूड क्वालिटी कंट्रोलर डिपार्टमेंट। ये मजाक थोड़ी है। साजिद यू केम अप विद अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी। जॉब नहीं, गोइंग टू अप्लाई फॉर एमफिल। साथ ही ये तू किसकी, बालू की बात कर रहा है या अपनी बात कर रहा है? भाई एमफिल एमबीए करोगे तो फिर थीसिस देके एमबीए करोगे, फिर बदमाश कंपनी की तरह तुम अपना सेटअप करो। बाइंडू वगैरह के बगैर तो नहीं खेलते आजकल के बच्चों को, आदत है बाइंडू की। ये बाइंड इसका कभी भी नहीं स्कोप लगती है अगर स्विच किया पे। मेरी कमर अपनी इंटर्नशिप कर रहा साथ साथ। अच्छा नाइस यार, नहीं ये तो अच्छी चीज़ है यार, एमफिल करो, मास्टर्स करो अगर शौक है तो। हमें तो नहीं है हाँ, अगर एमफिल है मास्टर्स का। आप लग गए हो भाई जहाँ पे लगना था, अब आपको क्यों शौक होगा? नहीं बालू बालू भाई भाई। ओ शिट आर्या मार गए। और ये तो स्ट्राइकर लग रहा है आर्या, स्ट्राइकर गुजर आगे बैठे हैं। मैं अपनी ना डाउनलोडिंग बंद करके आ जाऊं, फिर देखता हूं। हां हां तुम डाउनलोडिंग बंद करके आए हो? श्योर। आजकल वैसे ही रिक्वायरमेंट चल रही हैं। सिस्टम इज इन हैवी नीड ऑफ एम्प्लॉयज फॉर देयर न्यू बिल्डिंग इन Amazon मॉल इन DH इस्लामाबाद। ओ नाइस यार, हैवी DH तो घर के पास है, ज़्यादा दूर भी जाना नहीं पड़ेगा। ये तो अच्छी बात है यार, ये तो मुझे तो जाऊँगा, मुझे वहीं पे रख लो यार। थैंक यू तला मुनीर यार, मैं आपसे कांटेक्ट करता हूँ यार दोस्त। लिंक्डइन पे ज़रा मुझे यस करो यार। अच्छा आप इस्लामाबाद ऑफिस में हो के किसी और लाहौर ऑफिस वगैरह में? थैंक्स बड़ी। अबे इतना ओपन हो के बैठा हूँ मैं। अबे यार कसम से किसी एक ने तो मारना था मुझे। हाँ पहले मैंने मारना था, तू मेरे से बच गया अभी। आई एम इन लाहौर ऑफिस। ओके परफेक्ट। लाहौर, ये लाहौर ऑफिस यार बहुत बड़े, मतलब एफिनिटी का भी मेन लाहौर ऑफिस है, I2C तो है ही लाहौर में, सिस्टम भी लाहौर में है। हैवी सीन है यार, लाहौर की मार्केट बहुत डेंस है यार, लाहौर की मार्केट चिल है। लेकिन तुम जो बता रहे हो कि इस्लामाबाद में है तो भाई हाजिर है इस्लामाबाद के लिए तो एनी टाइम। अच्छी सैलरी हो, अच्छा पैकेज हो, अच्छी कंपनी हो, डेफिनेटली गो फॉर इट। भाई यार 12:50 हो गए, काफ़ी टाइम हो गया यार वेले बैठे बैठे। यार वारज़ोन खेलना था, इतना मज़ा आना था लेकिन अब क्या करें। हाँ यार कल तक मैं भी डाउनलोड कर लूँगा, कल मैं आऊँगा ना ज़रा फ्री होके फिर। मैं नहीं आऊँगा। क्यों? कोई किधर मून नहीं जा रहा ताकि वाई यू पीक लाइक दिस। हाय मेजर, इसने कहां से मारा है मुझे बता, इसने कहां से मारा है? बी रूम से यार, एक के पकड़ के बी रूम पहुंचा हुआ है, कैसा नूर। अबे बी रूम नहीं, मेन रोड से मारा है बीच में। ओ भालू भाई सर चलो देखना। हेलो डॉग प्रो वाले, तुम प्रो लोग हो। चलो ओके ओके साजिद जानी, टेक केयर बड़ी। वाकई काफ़ी टाइम हो गया भाई, मेरा भी वीज़ा आ गया वापस रूम में जाने का, तो हम भी चलेंगे बस ये मैच ख़त्म कर लें। ओवरलोड है वे। Explosives planted. ओए नो साउंड गिरता है यहाँ पे, मुझे नहीं पता था। लॉल लॉर्ड लॉर्ड ये बी का होगा, ये क्रॉस करेगा अभी। भालू है। ओ नाइस भालू, क्या करते हो दोस्त तुम? नीचे यार नजर ही नहीं आ रहा था, वो तो पीके दे रहा था तूने। हाँ मैं ऊपर देख रहा, नीचे देख लेता, पता क्या था वो। कभी ओ लाइट बंदा था। अबे साकिब क्यों भाई? मुझे पता बेसू में बेसू वाला वो ऊपर है यार। मैं आवाज दे रहा हूँ ना, फिर आवाज क्या हुआ? इस वक्का वो वक्का वक्का से याद है, शकीरा भी पंडोरा पेपर आई हुई है। अच्छा हाँ। उसका क्या है? पेंडोरा पेपर क्या है? यही जिस तरह पनामा लीक्स था। पनामा लीक्स था, वैसे पेंडोरा लीक्स है। अब नहीं कोई बचता। भाई अपन के जाने का भी टाइम आ गया। यार लो नाइस नाइट। ऊपर है यार, यहाँ पे बैठा होता है ये नूरा। अंदा साकिब आप वीरू मु? अबे साकिब आप तो लाइट हो। आया वैसे मैं वीरू हूँ से नेटवर्क वैसे कहाँ कैंप करके बैठा हुआ है। मैंने एसएमजी पकड़ ली, क्या करें और तो वैसे ही नहीं होते। इस बंदे के रिफ्रेश रेट वाकई बड़ी जबरदस्त है, ऐसे कर रहा था वो जिस लास्ट में तूने मारे, इसके मैं पहले भी देखा था, तो बड़ी जल्दी मारता हूँ। नो बम नीडेड। मैं किधरों आया है यार, रिफ्लेक्टर मार के स्नाइपर को वारज़ोन में सही होती है, इसमें नहीं होती। अब आदत नहीं है, सेंड रिपोर्ट में गेम बंद हो गई। भी उधर ही था, आप तो आया वहाँ पे। इसकी आवाज़ यही लैगर टूटी है। गेम बंद हो रही है यार बार बार। क्यों भाई? I don't know। ताज किधर है? मुझे पोक देखो देखो मेरे नानी आ गई आपकी। तो मैं वैसे ही जाने लगा यार, पोक की जाऊंगा, टाइम हो गया साढ़ा। What was that bro? तुम कैसे क्रॉस कर दे यार, वे पाकिस्तानी सर्वर पर क्यों नहीं शो होते? के पता है यार, वाई दिस कोला वेरी डी वीरू मैक मैं ये साकिब गया। ओह नाइस जी ब्रो, यू आर प्रो। नाइस शॉट, 1v1 साकिब वर्सेस ओवरलोड। ये टॉप है, ये तो पता होगी। और हमारा बम ड्रॉप है बेस में, इजी मार। वो टॉप ही है यार, मुझे आई नाइस यार। मैंने कहा था एसएमजी पे ना मत, तुम प्रो है यार। तो मुझे पाकिस्तान सर्वर क्यों नहीं नजर आ रहे? कहाँ पे देख रहा था? Fortnite में देख। Fortnite में। वो 80vi में तो है। 80vi में भी नहीं है। चल हो गया साकिब, बोलो मैं चलता हूँ यार दोस्त। ओके भाई का टाइम हो गया जाने का। We'll see you tomorrow, इंशाल्लाह। Tomorrow I will not come. I will not come. Okay, Hafiz, Salafiz.